भाई। कोलकाता तुम लोगों के हाथ में है, इसलिए तुम्हारा हाथ आज मैं काटूंगा, देख लेना। बुला अपने नायक बाप को, ए बुला रे। उसे फोन लगा के बोल, घातक भाई आज हम लोगों को ऊपर पहुंचाने वाला, प्लीज बचा लो। सुना तूने? बुला उसे, नहीं तो यही चीर दूंगा। बुला उसे। तूफान बुलाने पे नहीं आता, वो अपनी मर्जी से आता और तबाही मचाता है। तू भी उसके कहर से बच नहीं पाएगा। आ रही है तेरी मौत। वो आएगा? कहां से आएगा? कैसे आएगा? अरे कब आएगा? वो कोई ट्रेन या बस नहीं है जिसके आने का कोई टाइम हो। तूफान है वो। हे, जब नायक आएगा तो तबाही लाएगा। मेरी एडवाइस मानो, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और यहाँ से कट लो, या भगवान को याद करो, क्योंकि जब मौत आती है तो वही याद आता है। अगर मुझे चोट लगे तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, दोस्तों की तरफ आंख उठाए तो दुनिया से उठा देता हूँ। इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और इतने लोगों को मारा किसने? बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? आपके सवालों के जवाब मेरे बॉस आकर देंगे। तुम अपनी माँ के साथ फिल्म देखने चली जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे मेरी माँ, मैं यहाँ पहले से ही 70mm डॉल्बी में थ्रिलर फिल्म देख रहा हूँ, समझ गए कि नहीं? सर क्या है, बोलो ना। प्रेस वाले आए। हाँ बोलो, आके खाना बना दूंगा, चलो अब। क्या है बोलो। सर, प्रेस वालों के सवाल से हमारा दिमाग खराब हो रहा है।
उन्हें क्या जवाब दे? क्या उन्हें पता नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ? कुछ भी करो वो तो यही कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट घोड़े बेच के पवा मार के सो रहा है। बेवकूफी भरा सवाल करेंगे कि अभी तक क्रिमिनल्स को पकड़ा क्यों नहीं? जल्दी ही अपराधी जेल में होंगे, हमारा जवाब होगा। उनका काम ही है इल्जाम लगाना। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। हाँ, आके बर्तन भी धो दूंगा। लगता है आज मंत्री जी कुछ ज्यादा ही टेंशन में हैं। सही कहा सर। सॉरी सर, क्राइम सीन्स को ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके भाई ने कुछ लोगों को पोल से बांध के रखा हुआ था। या तो उन्हीं में से किसी ने या फिर किसी और ने आपके आदमियों को यम लोग पहुंचाया है। सर, आपके भाई का तो ठीक है, लेकिन दो लोगों की हड्डियों का कचूमर बना दिया है। आपके भाई की मौत दरअसल ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से हुई है। क्या बताऊं सर, नाक और कान से बहुत खून निकल रहा है। तो न्यूज चैनल में क्राइम रिपोर्टर है या इंस्पेक्टर है? सर, मेरा छोटा भाई कैसे मरा ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ। उसे किसने मारा मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मैं उसे मौत के घाट उतारूंगा। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। वो क्या बस है जो जाकर दौड़ कर उसे पकड़ लूं? अब तुम ही बताओ, अगर किसी अननोन नंबर से फोन आए तो हम एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं कि किसने कॉल किया? ये तो कॉल रिसीव करने के बाद ही पता चल सकता है सर। बिल्कुल सही, यही तो बात है कि खूनी ने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये रही सर, हाँ। सारी बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, वो किलर बहुत ताकतवर मालूम होता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल है। उसके मारने की वजह से सारी बॉडीज की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, बिल्कुल टेलकम पाउडर की तरह। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से हम उस 25 साल के नौजवान को कैसे ढूंढेंगे? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? आई एम सॉरी, आप कैसे बताएंगे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालूंगा। I won't spare him. चेरी अब तक सो रहा है क्या? और नहीं तो क्या, सारी रात जागेगा तो दिन भर सोएगा ही। सारा सिस्टम उल्टा है इसका। चेरी, हे चेरी, उठ। क्या मम्मी? तुम्हारी कॉफी टेबल पर है, हाथ इधर मत करना, गरम है, सुन रहे हो ना? दोना। आंटी, क्या है? वो मेरी कॉलेज बस मिस हो गई है। मम्मी ने कहा चेरी अगर मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे तो। रोजी, तुम्हारी मम्मी ने और क्या कहा, तुम सुनोगे? हाँ हाँ, बोलती जाओ। उन्होंने कहा है कि चेरी जो भी मांगे दे देना। आहा। उन्होंने कहा है कि स्पीड ब्रेकर आए तो चेरी को कसकर पकड़ना। और क्या कहा? मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म भी आती है? हाँ। तुम्हें लगता है मैं गधा हूँ जो तुम्हारी अदा पर फिदा हो जाऊंगा? आई एम चेरी, निकलो। चेरी, मत करो देरी। क्यों सरस्वती, ब्यूटी टिप्स पढ़ रही हो क्या? नहीं रे बाबा, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? ब्रूटल मतलब बेदर्दी से। हिंदी में समझाओ ना। तुम इंग्लिश रहने ही दो, पहले हिंदी सीख लो। तुम ऐसे क्राइम वाले न्यूज क्यों पढ़ रही हो? जाओ अपना काम करो। मॉम, ब्रेकफास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। चेरी, इस वक्त नाश्ते का नहीं लंच का टाइम हो रहा है, समझे तुम? तुम रोज रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो, आज ऑफिस में फोन करके क्या बहाना बनाओगे? कह दूंगा कि घड़ी बंद पड़ गई, टाइम का पता ही नहीं चला, पर बॉस फोन नहीं उठा रहे। वो भी तुम्हारी तरह सो ही रहा होगा। रियली? मामा जी। अरे ये क्या हाल बना है, कंबल ओढ़कर बैठे हो? बुखार हुआ है क्या? डर हुआ है। क्या? कोई पूछे मैं ऑफिस में हूँ या नहीं तो बोल देना मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। मगर मामा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। मैं FM सुनते हुए बड़े आराम से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक मुझे कॉल आया। हेलो। हेलो सर, मेरी बहन ने मैरिज ब्यूरो में आपकी फोटो देखकर आपको पसंद किया, प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए ताकि शुभकामनाएं देर ना हो। ओके, ट्राई करूंगा, किसी ने तो पसंद किया। हैया। मंगल मेरी कुंडली से निकल चुका था, मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। अबे गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हथियार नीचे डालो। लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज पे लगाम रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम गुंडे हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके सामने हमें सॉफ्ट रहना है, समझे कि नहीं? हां समझे।
इसकी हेयर स्टाइल तो लाजवाब है, दिखने में भी स्मार्ट है। बालों से बॉबी देओल लगता है ना? हाँ, बालों से बॉबी देओल और आंखों से ऋतिक रोशन। भाई मैं दूल्हे से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगा। नमस्ते सर, आप अकेले आए हैं? तो क्या साथ में बारात भी लानी थी? मेरे मतलब आपके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। आपके माँ बाप नहीं पूछ रहा। अरे खड़े खड़े यूं इंटरव्यू लेना छोड़ो, फटाफट लड़की दिखाओ। चलो इनका आशीर्वाद ले लो। अरे आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, चलो बैठो। मुझे लड़की पसंद है, मगर एक बार उनसे भी तो बात कर लो। बकवास, बात कर लूं, बात कर लूं, किनसे बात कर लूं? तुम मुझे पसंद हो, अगर प्राइवेट में मुझसे कुछ कहना है तो कह सकती हो। लड़की तो प्राइवेट में दूल्हे से बात करती है, दूल्हे के पापा से प्राइवेट बात कैसे करूं? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, दूल्हा मैं ही हूँ, कुंवारा भी। तो ये फोटो? ये मेरी ही फोटो है। जी जी। रुको, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अपनी जवानी में फोटो तुमने मैरिज ब्यूरो में भेजी थी और लड़की देखने बुढ़ापे में आए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। निशब का कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती? मरती तो है ना, वो उम्र में इतने बड़े हैं फिर भी उन पर लड़कियां मरती हैं। अब बताओ, प्यार की कोई सीमा होती है? नहीं होती है। बचपन का फोटो देखकर पसंद किया, जवानी में क्या खराबी है? ये बताओ, सनी लियोन के आने से क्या हम ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे? बता टकले। नहीं। इसी तरह नए को देखकर पुराने को भूलना नहीं चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो। ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ। तुमने हाड़ वैद्य बाबजी का नाम सुना है? तुम जानते हो? नहीं। बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था, मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ आएगा, तेरी हड्डियाँ तोड़ देगा। ए, हमारे भाई बाबजी के राइट हैंड है, तू सॉफ्ट है इसलिए हमने अपना हार्डवेयर नहीं निकाला। भाई ये सॉफ्ट को सॉफ्ट कर दूं? एक मिनट, मामला मेरी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हुआ है, यहाँ फाइट करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। चलो बाहर चलते हैं, बेहोश हुआ तो कोई घर तो पहुंचा देगा। ए! मैं अकेला और तुम लोग 20, मुझे भी 20 लोग बुलाने दो, फिर 20-20 होगा। साथ में तुम चीयर लीडर भी लाना, अंपायर मैं बनूंगा। भागो। किसी तरह मैं वहां से जान बचाकर भागा, अगर वो पकड़ लेते तो मैं गैराज में होता। मेरा फोन नंबर उनके पास है, अब वो सुबह दोपहर शाम गालियां मैसेज कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में वो मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। आप तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। जवानी की फोटो दिखाकर लड़की देखने जाना गलत बात नहीं है? मैंने इससे भी बड़ी गलती कर दी है। कौन सी? बाबजी का नाम भी ले लिया, अगर उसे पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। आपको बाबजी से डर लग रहा है ना? चलिए उसके घर चलते हैं। पहले ही पेट्रोल के दाम भड़के हुए, अब पेट्रोल में आग मत लगाओ। मेरे होते हुए वो टच भी नहीं करेगा। चलिए। ए ब्रो। ए, अंदर कहाँ जा रहा है? बाबजी से मिलना था। बॉस मीटिंग में बिजी है, बाहर वेट करो। ओके। जो मेरा नाम लेता है, प्रॉपर्टी हड़पता है, उसका काम तमाम। मामा, क्या हुआ? क्या पटाखा है ना? अबे बाबजी को पता चला तो दिवाली का पटाखा समझकर तुझे ही फोड़ देगा। तुझे क्या अंधा होना है? लड़की है दूर, मुझे घूर। कितनी खूबसूरत है, ये तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। हाँ जी। अरे जरा सोचो मामा, अगर इस लड़की से टांका फिट हुआ तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मैटर भी सॉल्व हो जाएगा, है ना हिट आइडिया? इतना बुरा हाल करेगा बाप जी, हम यहाँ प्रॉब्लम क्लियर करने आए हैं, नया प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं। मुझे सेटलमेंट नहीं चाहिए, मैं चला। यहाँ देख, वहाँ मत देख। ए, बॉस ने बुलाया है। भांजे, बैटिंग शुरू नहीं की कि विकेट गिर गया। अंदर नहीं, पवेलियन लौट चलते हैं। चल। मैं हूं ना, बी अ मैन। सलाम भाई। भाई, मैंने आपको बताया था ना, ये ठरकी मेरी बहन को देखने आया था। नहीं नहीं, ये तो मामा है। शक्ल सूरत तो अच्छी है। बन जाए इसका साला। आगे वाली मर्सिडीज नहीं, पीछे वाली पुरानी एम्बेसडर कार है ना वो। सलाम बापू। तुम्हें पता है क्या, ये भाई का नाम क्रेडिट कार्ड की तरह यूज करता है। कद्दू कहीं का मुझे भाई के नाम से डरा रहा था। मेरे ही आदमियों को धमकी देता है, हाँ? वो भी मेरे भतीजे के नाम से। तेरी इतनी हिम्मत, तेरा नाम क्या है? जलेबी। जलेबी? हाँ। ये किस तरह का नाम है, पहले तो नहीं सुना। मेरे बापूजी की मिठाई की दुकान थी, उनके दुकान की जलेबी फेमस थी। मैं भी बचपन में रसीला और स्वीट था, जलेबी की तरह। अच्छा,
तेरा नाम क्या? चेरी। चेरी? तेरे बाप की फल की दुकान थी क्या? चाचू, चेरी तो निकनेम है। आहा, इसका नाम मिठाई से और तुम्हारा फ्रूट से है तो क्या दूसरों का नाम यूज करोगे? ए, हाथ पैर तोड़ दो इसके। ए, रुक बे। मुंबई में रहकर मैंने बाप जी का नाम यूज किया तो क्या गलत किया? पब्लिक में इनका क्रेज है, भगवान मानते हैं सब इन्हें, इसलिए इनका नाम यूज किया। गलती की? अरे अरे, मेरा सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ना समझो कोई बात नहीं, बाप जी समझ जाए बहुत है। मुंबई का वड़ा पाव जितना फेमस है, बाप जी का नाम उससे ज्यादा फेमस है। अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, बाप जी का नाम लो, पट जाएगी। हॉस्पिटल में बेड चाहिए, बाप जी का नाम लो, एम्बुलेंस घर आएगी। अरे, राशन की लाइन में केरोसिन लेने के लिए भी बाप जी का नाम लेकर घुसते हैं लोग। सही कहा ना मामा? भतीजे को मस्का लगा रहे हो तुम? ए चाचे। क्या भतीजे? बोलने दे उसे। As you wish. तू बोलता जा। आपके चमचे बड़े इलिटरेट हैं। जानते नहीं आपकी पावर क्या है? दबंग स्टार सल्लू की फिल्म हो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट कभी मिलती है क्या? नहीं, कभी नहीं। पर मुझे मिलती है, क्योंकि मैं बाप जी का नाम लेता हूँ। अरे बाप जी का नाम ले लो तो ट्रैफिक हवलदार ना लाइसेंस मांगता है ना ही पुलिस हफ्ता मांगती है। अब इतने पावरफुल इंसान का नाम यूज करना गलत कैसे हुआ? ये कोई क्रेडिट कार्ड है क्या? बस जहाँ जाओगे इसी का नाम यूज करोगे? अपने बाप का राज समझ रखा है क्या तुमने? ए चाचे। भतीजे। ये जो हमारे बारे में बोल रहा है उससे हमें मार्केट में अपनी वैल्यू का पता चलता है। करेक्ट बोला सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, एक फोटो खींच लूं। मामा, क्लोजअप शॉट लेना। आज तक खाली नाम यूज किया, अब फोटो के साथ यूज करेंगे। सर, हाथ रखिए ना। लगे रहो। भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई, आपकी बहन है? मामा, इनके साथ भी एक क्लोजअप। ये ढेर कहानी में ट्विस्ट क्यों ला रहा है? इसके साथ फोटो क्यों चाहिए? आप फोटो खींचो ना मामा। नहीं चल रहा है और मेरा दिमाग भी नहीं। ए, बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। अब भतीजी की फोटो क्यों चाहिए तुम्हें? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पब्लिसिटी मिलेगी, पोस्टर छपेंगे और पब्लिक में बटेंगे। ये शक्ल से ही आवारा लगता है मुझको। तुम कॉलेज जाओ बेटे। टाटा। सर, वैसे किस कॉलेज में पढ़ती है? अरे तू ये क्यों जानना चाहता है? हम यहाँ आए क्यों थे और तू पूछ क्या रहा है? बात को समझो मामू। पता चले कि वो कौन से कॉलेज में है तो वहाँ के छिछोरे लड़कों को वार्निंग देंगे। बाप जी की बहन है, इससे दूर रहो, वरना हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, है ना सर? करेक्ट। बीटेक फाइनल ईयर, श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज। दे दो सब कुछ, दे दो पिन कोड, दे दो पोस्टल एड्रेस, दे दो सारी डिटेल्स, दे दो इस मोबाइल को, ताकि एक दिन ये अपनी बारात लेके यहाँ आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुबह सुबह चढ़ा लिए क्या? मैं अपने आइडल से मिलने आया हूँ और आप कह रहे हैं मैं उनकी बहन से फ्लर्ट करने को? वरना हम हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। तू फ्लर्टिंग का टॉपिक क्यों छेड़ रहा है? अरे तू बाप जी के घर में है और उन्हीं के घर में उन्हीं की बहन को लपेट रहा है। चुप करो। सर, ये चाहे कुछ भी कहे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप समझ रहे हैं ना? लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं हम। तेरे चेहरे से सच्चाई झलक रही है। आप तो फेस रीडर है। तू जब चाहे मेरे से मिलने आ सकता है, मैं मिलूंगा तुझसे। थैंक यू सर। सर, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, इनसे कहिए कि मेरे मामा को तंग ना करें। ठीक है, नहीं करेंगे। थैंक यू सर। या चलता हूँ। सर, आप तो हटके हैं सर। आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी बैटरी डाउन हो गई क्या? अरे आवाज ही नहीं, तेरी वजह से मेरी जान भी चली जाएगी। उसकी बहन के साथ फोटो क्यों लेनी थी तुझे? मार डालते तुझे तो। जान भी जाए तो परवाह नहीं, शादी करूंगा तो उसी से। आई लव हर। कर्म फूट गए मेरे और क्या। अरे लेफ्ट क्यों लिया? उसके कॉलेज जा रहे हैं मामा। मधु, मधु, मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मुझे ठुकरा दिया। अगर अभी तुमने मुझसे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। कहती हो या कूद जाऊँ? तुमने देखा मधु, वो कूदने की बात कर रहा है। आई लव यू बोल दो ना, वरना वो ऊपर से कूद जाएगा। उसके ऊपर से कूदते ही न्यूज चैनल वाले एक एक करके आ जाएंगे और कॉलेज बदनाम हो जाएगा। पर वो क्यों आएंगे? क्योंकि जब वो ऊपर से कूदेगा, ये लोग उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे और मीडिया को दे देंगे। बोल दो बेटी। ये नहीं बोलेगी सर, कल कॉलेज का हर मैच में ऐसा करेगा तो ये सबको आई लव यू बोलेगी। ए, शराफत से नीचे आ जा। उड़ो, अपना मुंह बंद रख, उड़ता प्लेन मत पकड़। मधु, मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आई लव यू बोलोगी तो नीचे आऊंगा, नहीं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। वो देख, तुझसे बड़ा पागल यहाँ मौजूद है। मुझसे बड़ा क्रैक कोई नहीं है। इतना सोचो मत, कह दो। जल्दी बोल दो बेटी, नहीं तो वो कूद जाएगा। तुम बोलती हो, मैं उसे बोलूंगा। ये उससे भी ऊपर क्यों चढ़ा है? मधु, उसे आई लव यू कहा तो मैं कूद जाऊंगा। क्या लगता है ये लड़का हमारे कॉलेज का नहीं है? ये बिल्डिंग तो हमारे कॉलेज की है ना। ए, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये मत पूछो, मैं क्या चाहता हूँ ये पूछो। मधु उसे आई लव यू नहीं कहेगी।
आई लव यू बुलवाने के लिए मैंने कूदते हुए देखा है, लेकिन आई लव यू ना बुलवाने के लिए पहली बार कूदते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम एक को बोलोगी तो वो दूसरा वाला कूद जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसकी बकवास करने की आदत है। सुन लो, तुम दोनों में से कौन कूद कर मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, सोच लो। ये क्या बड़े भाई, टेंडर मैंने भरा और कॉन्ट्रैक्ट तुम ले जाओगे, हल मैंने चलाया और पानी डालने तुम आ गए। कौन से खेत में हल चला बे? नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसाएगा तो फाइन तो भरना ही पड़ेगा ना। समझदार बना और नीचे उतर, सच्चाई बताता हूँ। कौन सी सच्चाई? नीचे उतर फिर बताऊंगा। ठीक है। अरे पता नहीं इसने क्या जादू किया, उस पर नीचे उतार दिया। क्या बोल रहे थे तुम? तुम डरा कर किसी का प्यार तो पा सकते हो, पर उसका नहीं जो पहले से किसी का हो। वो मेरी है इसलिए तू साइड हो जा। हा? क्या बोला? इसके लिए नीचे बुलाया? ब्रदर, तू बाप जी को जानता नहीं है, बड़ा हत्यारा है, तुझे भी टपका देगा। क्या तू उससे नहीं डरता? मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ। कैसे? अभी तू बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। चरी चरी चरी, कहाँ जा रहा है तू? वो मैं मधु से मिलने जा रहा हूँ। अभी मधु से मिलने जा रहा है? दिमाग तो ठीक है? अरे मेरा दिल उछल के बाहर आ जाएगा, चल यहाँ से। अभी मेरे साथ चलिए। सिचुएशन बहुत अच्छा हैंडल किया। थैंक्स बाबू। वेल डन। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। ये क्या मधु, इतना रिस्क लिया और सिर्फ थैंक यू? तो और क्या चाहिए तुझे? ये बाबजी की लाडली बहन के तेरे साथ पिक्चर देखेगी, डिनर करेगी कल। अरे रुको मामू, एक्चुअली एक बात कहनी थी तुमसे। आई थिंक आई लव यू। क्या? तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? भाई रिश्ता पक्का करेंगे। ऊपर वाले है, मामा भांजे को बचा ले। तू कभी टेंशन नहीं लेता? टेंशन लेने से क्या होगा, जान जा सकती है बेवकूफ। अच्छा ठीक है चलो। भतीजे भतीजे, देखा, पता है तुम्हारे उस प्यारे प्यारे कमीने ने क्या किया? दसवें माले से तुम्हारी बहन को धमकी दे रहा है कि आई लव यू नहीं बोली तो कूद जाऊंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बीच में मत बोलो, उसने ऐसा कहा कि नहीं? अब तक तो उसने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है, अब फैमिली मेंबर भी बन जाएगा। अगर आज हम खामोश रहे तो कल आकर कहेगा कि इसकी शादी मुझसे करा दो। तुम चुप क्यों हो? आखिर कुछ करते क्यों नहीं? उसे जीजा बनाओगे क्या? चेरी, ये यहाँ कैसे पहुँचा? पहुँचा ही क्यों? चेरी तू ही बता सच्चाई क्या है। इन्हें भी बता दूं सर? रुक मैं बोलता हूँ। एक लड़का मधु से बोला वो उसे आई लव यू नहीं बोलेगी तो वो बिल्डिंग से कूद कर जान दे देगा। अकलमंदी दिखाते हुए चेरी ने उसे बचाया। किसने? उस लड़के को बचाया? नहीं, लड़की को। ये बिल्डिंग के ऊपर गया, नीचे आया, उससे मतलब नहीं है। इससे पूछो इसने मधु को आई लव यू कहा कि नहीं। हेलो, आपको करंट लगा और मैंने बांबू मारकर आपको बचाया तो मतलब ये नहीं कि मैंने आपको मारा। वहाँ टोटल ड्रामा तीन शब्द आई लव यू पर डिपेंड था। बाय मिस्टेक मेरे भी मुंह से आई लव यू निकल गया होगा सर। अगर वो आपकी बहन लगती है तो मेरी भी कुछ लगती है ना, क्यों मामू? भतीजे इसका यकीन मत करना, भले ही ये मुंह से कुछ और बोल रहा है मगर इसके दिल में कुछ और है। सर आप मुझे अपना राइट हैंड बना लेंगे ऐसा लगता है इन्हें, इसीलिए मेरा नाम खराब कर रहे हैं ये। और लगता है आपकी बहन को भी अपनी साइड कर लिया है। भतीजे के सामने तो हमारी। चुप। मैं जो भी फैसले लेता हूँ दिमाग से नहीं दिल से लेता हूँ, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। कॉलेज का लफड़ा मिटाया उसके लिए थैंक्स, अब जा। आप तो हटके हैं सर। मामा चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। साले ने घर की गाय से ही दूध निकाला और उसका ही मस्का बना के भाई को लगा डाला। भतीजे पे गुस्सा आ रहा है, उस बोल बच्चन के झांसे में आ गया। अरे तूने भाई से कुछ कहा, बहन से कुछ कहा, मुझसे सब कुछ कहा, अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो काट डालेगा। ओ, पता चलेगा तब ना? मरवाएगा। जलेबी। चलो चलो काम पर लग जाओ, फोकट की पगार मत खाओ, जाओ। आपने मुझे प्यार से बुलाया? गुस्से से बुलाया है। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। तुमने क्या किया ये जाने नहीं आई हूँ, मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। 10 मिनट में वो मुझसे आकर कहेगा आई डोंट लव यू, वरना तुम्हारा मर्डर कन्फर्म। क्या सर, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप इतने खुश हैं? बेवकूफ, मुझे लगा कि सुनामी आएगी पर ये तो हल्की सी बूंदाबांदी करके चली गई। थैंक गॉड, लड़की तो भांजे से प्यार नहीं करती, अब भांजा भी उसे आई हेट यू कह दे तो मैं बच जाऊं। It was so much fun. Excuse me. Cold coffee पीते वक्त hot decisions नहीं लेने चाहिए। ए, क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? Face तुम्हारी तरफ है, पर चेस इसे कर रहा हूँ। अगर एंगल वहाँ का है तो ट्राइंगल स्टोरी क्यों घुमा रहे हो? उसकी तरफ देखने से डर लगता है, कहीं फिर से प्यार में ना पड़ जाऊँ। भांजे, तू यहाँ आया किस लिए, क्या कह रहा है? ठीक है कहता हूँ, बताओ। ऑटो में ट्रैवल करने वाला फरारी के सपने देखे तो गलत है? नहीं तो? नहीं ना, मुझ जैसा हैंडसम लड़का ऐसी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की के प्यार में पड़ जाए तो गलत है? नहीं तो? जस्ट शट अप। ओके ओके, दिल मचल रहा है तो मुझसे डायरेक्टली बात करो ना, बेचारे मेरे बैचलर मामा को क्यों टारगेट कर रही हो? लेट्स टॉक फेस टू फेस। देखो, हलाल होने वाले बकरे को डराया नहीं जाता, वो पहले से अधमरा होता है। ये डरते हैं तो इनका बीपी लो हो जाता है, अब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। गुड बाय, चलता हूँ। भांजे तो कितना अच्छा है, इसे छोड़ तुझे बहुत मिल जाएंगी। रुका क्यों? एक जरूरी बात कहना भूल गया। अब क्या रह गया? बताता हूँ।
एक्सक्यूज मी, हेलो, तुम भी सुनो, तुम्हारे काम आएगा। देखो, लाइफ में प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टियों को, एक तरफा भी हो सकता है, लेकिन किसी के प्यार को ठुकराने की भी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। ये भी सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, सोचना। तो फाइनली तुम्हारे प्यार का चैप्टर क्लोज हुआ कि नहीं? प्यार का चैप्टर तो मैंने अभी ओपन किया है। स्निफर डॉग्स की मदद से पता चला है कि जिस रात टैक्सी सेठ का खून हुआ उसके एक दिन पहले संधु नाम के आदमी को यहाँ से उठा ले गए थे। ये उसका घर है सर। सर, तो क्या सारे मर्डर संधू ने किए हैं? ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ गुंडे इतने खतरनाक कातिल को इतनी आसानी से किडनैप कैसे कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है उनका लीडर कोई और है। सर, ये स्लिप मिली है। उनका अगला टारगेट है मुंबई, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता से मुंबई का ट्रेन का टिकट निकाला है। मुजरिम मुंबई में ही छुपे हैं, मुझे पूरा यकीन है। I've just reached Mumbai. Yeah. साहब साहब, चल आगे चल। अरे भाई साहब, इन लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। भोली सूरत बनाकर भीख मांगते हैं और रात को फुटपाथ पर बैठकर जुआ खेलते हैं और चरस पीते हैं साले। भीख मांगकर डांस बार में जाते हैं और लौंडिया के ऊपर पैसे उड़ाते हैं। जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं होगी उससे ज्यादा इनकी इनकम है, समझ गए ना भाई साहब? क्यों बे, तूने कभी इनमें से किसी को काम दिलवाया? पागल हो गया क्या? इन भिखारियों के लिए मैं काम ढूंढते बैठूंगा तो मैं खुद भिखारी हो जाऊंगा। इनकी भी मजबूरी होती है, कोई खुशी से नहीं करता। हाँ, दे दे। ये ले। तुझे तो बुखार है, जाकर आराम कर, भीख क्यों मांग रहा है? इतना भी बीमार क्यों ना रहूं, काम तो करना ही पड़ता है वरना वो मुझे मार डालेंगे। वो कौन? दामू सेठ। वो इतना बेरहम है कि छोटे बच्चों की आंखें तक फोड़ देता है। बहुत अच्छा डांसर था भैया, बड़ा डांसर बनना चाहता था लेकिन सेठ ने इसका पैर काट दिया। दामू सेठ के आदमी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर फैले हुए हैं भैया। जो भी नया बच्चा आता है वो उसे काम का झांसा देकर फंसा लेते हैं। एक बार जो बच्चा उनके चुंगल में फंस जाता है वो वहाँ से जिंदा कभी नहीं निकल पाता। तुम पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? दो बच्चों ने कंप्लेन करने की कोशिश की थी पर उसने उन दोनों को मार डाला। हम सब उसके डर के वजह से ही मजबूरन भीख मांगते हैं भैया। कहाँ मिलेगा ये दामू? तुम सब क्या मेरे बाप की शादी में आए हो या फिर नाइट ड्यूटी वाले हो? जी साहब। कुत्तो, खाना तो तीन तीन बार खाते हो और भीख मांग रहे एक बार जाते हो। पता नहीं लोग कॉइन्स क्यों देते हैं, नोट क्यों नहीं देते, गिनने में कितनी तकलीफ होती है। जय हो जय हो, महीने की पहली तारीख को लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं पधारी है। शर्म करो बॉस, इसको भी कोई इनकम बोलता है? छोटे, पैसा चाहे अंबानी का हो या भीख का, रेट तो वही रहने वाला है ना। अरे छोटे, चिल्लर का भाव मार्केट में नोट से कहीं ज्यादा है। मैं तुझे चिल्लर का गणित समझाता हूँ। हमारे हजारों भिखारियों की फौज एक, दो और पांच के सिक्के मिलाकर कितना पैसा लाते हैं? अरे मेरे मुन्ना, रकम इतनी बड़ी है कि जब इन बोरियों में नहीं समाती तो तेरे कैलकुलेटर में कैसे फिट होगी? अगर अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता लगे कि इस बिजनेस में इतना मुनाफा है तो वो लोग यही धंधा शुरू कर देंगे। आ गया मेरा बेटा, हीरो लग रहा है एकदम। मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? मैं 50 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाऊंगा और उसमें तुझे हीरो बनाऊंगा। अगर मार्केट के सारे भिखारी भी फिल्म देखेंगे तो सुपर हिट। मुझे हीरो नहीं बनना है, गाना और फाइट मुझे बोरिंग लगते हैं, मुझे विलन वाले कम पसंद है। तो इसमें नया क्या है? मेरी पर्सनालिटी पे वही सूट करता है। कौन है तू? अरे मार क्यों रहा है? अरे बस कर, मैं
चाहता हूँ ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊँ, शेर हूँ। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे, कान में दर्द होने लगा है। सर बुरा मत मानना, ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है, एक छोटी रिक्वेस्ट है बस करना। जीप में ले जाने की बजाय इन्हें एम्बुलेंस में ले जाइए, कम से कम चक्की तो पीस पाएंगे। अपनी जान खतरे में डालकर आपने बेगस माफिया को एक्सपोज किया, कुछ कहना चाहेंगे? ये काम मीडिया का था, मुझे करना पड़ा। मीडिया का? हाँ मीडिया का। आपको बस मिनिस्टरों की गाड़ियों के पीछे भागना आता है, पर देश में लाखों बच्चे भीख मांगते हैं, उनका शोषण किया जाता है, अत्याचार होता है, वो नहीं दिखता। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप एसएमएस कॉन्टेस्ट चलाते हो, किसी हीरोइन को लड़का होगा या लड़की, फिल्म कितनी हिट है या फ्लॉप है, उसका बिजनेस कितना किया जाएगा ये देखते हो, पर मासूम बच्चों की क्या हालत हो रही है ये नजर नहीं आता। मीडिया को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं। देखिए मैं कोई हीरो नहीं हूँ, सोसाइटी में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को हार्ट ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी, कई लोगों ने उनकी मदद की है, उन लोगों के बारे में जनता को बताइए। देश को गुमराह करने के बजाय सही लोगों के बारे में लिखिए प्लीज। आप असली हीरो है भैया। हम सब ने लीगल माफिया और ड्रग माफिया के बारे में तो सुना है, पर बेगर माफिया उससे भी खतरनाक है। एक जांबाज इंसान ने उस गैंग का नामो निशान मिटा दिया और मीडिया में जागरूकता फैलाई। उसने सैकड़ों अनाथ बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वो जिगर वाला इंसान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेरी, उसके चर्चे अब सब जगह पर। बंदे में दम है, मेरी लाइफ में वेलकम है। शर्मा रही है? शर्माते हुए आप बहुत क्यूट लगते हैं। आप यहाँ अचानक क्यों टपक पड़ी? बात यह है कि चेरी ने मेरा चैन चुरा लिया है, उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी, मुझे भी वो पसंद है, हमारी सेटिंग करा दो ना। मर गया, ये कपल मुझे चप्पल खिलाएगा। प्लीज तुम दोनों मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? वो उल्टी खोपड़ी का है, शायद प्रपोजल ठुकरा दे। मुझे थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, आप उसे मेरे पास लाइए ना। बहुत ईगो है लड़की में, ठीक करता हूँ। तुम में ईगो है, मुझ में डर है, उसको गर्व है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लव स्टोरी का कोई फ्यूचर है। जलेबी बोलो। मुझे गुस्सा भी आता है। फूटी किस्मत मेरी, ट्राई करता हूँ मैं। चेरी चेरी तुझे मामा से प्यार है ना? आपसे प्यार है इसलिए लड़की से प्यार छोड़ दिया। छोड़ मत, लड़की से प्यार कंटिन्यू रख। क्या मामू, जब चाहे कनेक्ट किया जब चाहे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कोई मजाक नहीं, मेरा दिल है। फालतू एग्जांपल मत दे। क्या वो कह रही थी कि तूने अनाथ बच्चों की जान बचाई, उसके बाद उसका मन बदला और वो तुझ पर लट्टू हो गई, चलकर कह दे उसे आई लव यू। ये क्या बात हुई, बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो प्यार नहीं करेगी? ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, प्यार में कोई शर्त वर्त नहीं होती। तब तो तुझे एक भी लड़की लाइन नहीं देगी, जो मिल रहा है उसमें मांडोली कर ले, वरना मेरी तरह रखड़ जाएगा, मान जाना मेरे बाप। ठीक है, मेरा ईगो बीच में आया, उसे मेरे पास लाइए। क्या ईगो, तुझे क्या दीवार के पार का सुनाई देता है? नहीं तो क्यों? नहीं उसने भी यही कहा था। चलो तुम दोनों ईगो हटाओ, प्यार कर लो, आपस में डेट कर लो। मामू मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मेरे पास लाइए। वो मेरा आटा गूंदेगी। अरे कुछ नहीं करेगी, मुझे मार डालेगी। उसका भाई डॉन है, वो नहीं। भाई साहब आप रो क्यों रहे हो? हैं? वॉशरूम में शांति से रो भी नहीं सकता, रोने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है कंटिन्यू करो, जाओ हाथ धो लो। मम्मा ये चेरी मुझे मरवा के ही छोड़ेगा, कैसे मनाऊं? ओह इनका तो हो गया, अब मेरा क्या होगा? भाई लगता है चेरी ने अपनी मैडम को पटा लिया। ये खबर बाप जी तक पहुंचनी चाहिए। आपने प्यार से सांप को दूध पिलाया तो अब वो दूध पीने आपके घर ही आ गया। बकवास बंद कर गधे करके, इसने तो फूल ही खिलाया था, बीच में वो कांटा आ गया। उसकी गाड़ी इसलिए चली क्योंकि इसी ने उसमें दोस्ती का पेट्रोल भरा। क्या कह रहे थे तुम? इंसान की जबान और उसकी आंखों से उसका कैरेक्टर पहचानते हो? लोग पान खाकर थूकेंगे तुम पर, वो चूना लगाकर चला गया।
छी छी छी, वो मस्का पॉलिश करके अपनी किस्मत चमका गया। जब मैंने आगा किया तो नहीं तुम कुछ नहीं समझते, बीच में मत बोलो, ऐसा कह के मेरा मुंह बंद करवा दिया था तुमने। तो अब भुगतो खुद, मधु आके कहेगी मुझे उससे शादी करनी है, करा देना। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, जो करे मेरे साथ डबल क्रॉस उस पर लगा देता हूँ मैं। पॉज बहन, मुझे दिल की बात बताए उससे पहले उस कुत्ते को टपका दूंगा। ये हुई ना बात, गाड़ी निकालो। भाई टपका डालो। रुक एक मिनट मनसुख भाई, वो रोमियो इस वक्त मेरे सामने है, बाइक पे है, हेलमेट पहने, बोलो तो टपका दूं। हेलमेट उसे एक्सीडेंट से बचा सकता है, हमसे नहीं बचा सकता। जाओ उसका पीछा करो, मैं भतीजे को लेके आता हूं। हेलो, कहा है वो? उसने फ्लाईओवर पर चढ़कर लेफ्ट टर्न ले लिया, गाड़ी से उसकी बाइक को ठोक दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम बाप जी अपने हाथों से करेंगे, तुम उसका पीछा करो। हाँ ठीक है। हेलो, वो मंत्रालय पहुंच गया है, हम वही मारेंगे उसे। अरे ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? अरे उसे वहाँ मारेंगे तो पूरे स्टेट में फटाफट न्यूज फैल जाएगी। माँ जी। हाँ बेटा। ये 100 रुपए रखिए और ये पैकेट संभालिए, मैं अंदर जाकर लेता हूँ। ठीक है। माँ जी पैकेट ये लो बेटा। भाई वो अंदर चला गया, चलो चलते हैं। हाँ। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा ना, वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। सर, डीजीपी सर मीटिंग में हैं। हम तो उन्हें इनविटेशन देने आए थे, भतीजे की मंगनी है ना। वेट कीजिए प्लीज। चलो भतीजे, चलो चलो। कहाँ मर गया वो? अरे वो रहा। जाओ जाकर खत्म कर दो उसे। आसानी से डीजीपी को टपका दिया इसने, तो हम किस खेत की मूलियां भतीजे? सुनो, मर्डर प्लान कैंसल, हम तो इसका बैकग्राउंड तक नहीं जानते, वो हमें देखे इससे पहले सटक लो, मुंह छुपा लो। चाचे मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मेरी तो हर जगह दर्द हो रहा है। ए जरा पीछे मुड़ के देखो कि वो गया है कि नहीं। सुना नहीं, इतनी गोली खाएगा तो जाएगा ही ना। बेवकूफ कह के मरने वाले को नहीं मारने वाले को देखो। लगता है वो चला गया है। बच गए। बाप जी को आज तक इतना बुखार नहीं हुआ है, इन्हें देख के मुझे टेंशन हो गई है। ये कोई वायरल फीवर नहीं है, अचानक झटका लगने से बुखार आया है। क्या इन्होंने पास से कोई हादसा देखा था? हाँ बहुत ही भयानक हादसा, इसीलिए कोई दवाई काम नहीं कर रही है। भूल जाओ। किसे भूल जाऊं? भतीजे को? नहीं नहीं, हादसे को। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद आज मंत्रालय में डीजीपी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी टेररिस्ट ग्रुप का, गैंगस्टर का या नक्सलाइट? पुलिस इस हादसे की जाँच कर रही है। अरे भतीजे, हमारी किस्मत अच्छी थी, अगर हम उससे पूछते कि वो हमारे मधु से प्यार क्यों करता है तो वहीं वो हमारा गेम बजा डालता। कौन सा गेम सर? सांप सीढ़ी डॉक्टर, जिसमें सांप के काटने के बाद पैसा पानी नहीं मांगता। आपको लेट हो रहा है। हाँ हाँ। भैया भैया, सुबह तो ठीक ठाक थे, अचानक क्या हो गया? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने समझा, मैं मुझे सब कुछ मालूम है फिर भी कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मुझे भैया से बात करनी है। तुम हालचाल पूछ रही हो या इंटरव्यू ले रही हो इसका? इसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है, आराम करने दो इसे। कितनी कटकट करते हो, आज बहुत अच्छा दिन है। किस लिए? उसे मारने के लिए? चुप रहेंगे। भैया मुझे किसी से प्यार हो गया है। मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ चल रहा है, पहले ही वो तवे की तरह जल रहा है, तुम्हारी बातों से बम की तरह फट जाएगा। जी नहीं,
मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम सुनकर भाई उछल पड़ेंगे। उछलेंगे तो, पर डर से। भैया मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उसे जानते हो। कौन है वो? चेरी ना, मीठी छुरी है वो, मीठी मीठी बातें करके सीने पर चल सकती है। देखिए अंकल, मुझे पता है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर ऐसी बातों से भैया नाराज हो जाएंगे। छी, अब बोलो ना भतीजे, कब तक ये बर्दाश्त करना पड़ेगा? तुम जाओ ना यहाँ से। आप चुप रहिए। भैया चेरी आपसे मिलने आया है। क्या? अरे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस तरह क्यों लेटे हैं? एक बड़ा हादसा देखकर इनकी तबीयत टाई टाई फिश हो गई। क्या देखा है इन्होंने? को एक या दो नहीं बल्कि छह छह गोलियां मारी गई। ये पहले से ही डरे हुए हैं और आप लोग इन्हें ऐसी डरावनी न्यूज दिखा रहे हो। आपने जो हादसा देखा था, कहीं ये वही तो नहीं? हम क्यों देखेंगे, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। असल में इसकी राहु की दशा भारी चल रही है, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मधु ने आपको सारी बातें बता दी होंगी ना? वो कह रही थी कि आपने बचपन से इसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब इसकी शादी की इच्छा है, आप वो भी पूरी कर देंगे ना? कोई एतराज तो नहीं है ना? मैं अच्छा लड़का हूँ, ये कुछ बोलते कि नहीं? अब ये क्या बोल सकते हैं, हम सबको मंजूर है, जरा हंस दो तब इसे यकीन होगा। चलो ऐश करो। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। थैंक यू तो तुम दोनों को मुझे बोलना चाहिए। क्यों? तुम दोनों की सेटिंग किसने करके दी? मैंने। मैं बाप जी का नाम लेकर इस जाड़िए की बहन को देखने गया था, फिर मैं तुझे यहाँ लाया, तूने ये आइटम देखी, आइटम को तू पसंद आ गया। नहीं, अब अपनी ये बड़बड़ बड़बड़ बंद कर, तुम्हें जो चाहिए मिल गया ना, अब बाप जी को आराम करने दे, चल जा। बाप जी डोंट माइंड, अगर मैं मधु को फैमिली से मिलवाने घर ले जाऊँ तो चलेगा ना? तुम्हें अब ये कैसे मना करेगा, जाओ ले जाओ, अब क्या कर सकते हैं। वाह, आप आदमी हटके हैं। मैं सब समझता हूँ, मस्का मत लगाओ, अब जाओ यहाँ से जल्दी। चलाए जलेबे, आपने मुझे बुलाया। अच्छा चेरी, तुम दोनों तो मिल गए, अब इस मिलने की खुशी में तुम दोनों गेट टुगेदर करो और हम मामा के साथ पार्टी करते हैं। ओके सर। मामा एंजॉय। थैंक यू। सुन बे गेंडे, बाबजी की बहन की शादी तो फिक्स हो गई, अब अपनी बहन की भी कर दे, मुझसे बढ़िया वर नहीं मिलेगा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, अब मेरा बैकग्राउंड तुझसे बड़ा और मजबूत है ना हाथी भाई? प्लेट लगाओ। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना डालो। मुझे अपने जैसा बनाना है क्या? आएगा तो कम हो जाएगा। मैं क्या पेटू हूँ जो इतना खाऊंगा, ये हाथी भी नहीं खा सकता। हाथी मेरे साथी इतना खाना देखकर सर चकरा रहा है। ए जलेबी, मैं लोगों को बड़े ही प्यार से खाना खिलाता हूँ, परोसे हुए खाने को जो खत्म ना करे उसे मैं खत्म कर देता हूँ। तो फैसला तुम्हें करना है जलेबी, तुम जिंदगी भर ये दावत नहीं भूल पाओगे। शुरू करो। लगता है ये मर्डर का नया स्टाइल है, दूसरे मार मार कर मारते हैं, ये खिला खिला कर। क्या हुआ? बाद में होगा। ये फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मशीन में अटक जाऊंगा। कितने भुक्कड़ हो, कंट्रोल नहीं होता, इतना खाना खाया कैसे? मर्जी से नहीं खाया, दूसरा जबरदस्ती। जानता हूँ बात कुछ और है, सच सच बोल रहे यार। हाथ हटा, ये मेरा पेट है, ढोलक नहीं जो तू बजा रहा है। सॉरी, लेकिन सच बता ना। तू डॉक्टर है या फिर वकील है? मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तू सवाल पूछे जा रहा है? अपन मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई हो या मुन्नी भाई, मेरा ऑपरेशन कर और खाना बाहर निकाल, मेरा सर मत खा। हम बच्चा बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करते हैं, खाना नहीं। इस तरफ सर, यहां है बॉडी। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन की हमारे पास सारी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड है सर। प्ले। सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा। ए, ये लोग कौन है जो तीनों कैमरों में दिखाई दे रहे हैं? ये बाबजी नाम का नामचंद गुंडा है और ये उसका अंकल। वो क्या कह रहा है, ऑडियो सुनाओ। इसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई है सर। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई लिप रीडिंग एक्सपर्ट है जो इसके कहे हुए शब्द हमें समझा सके? हाँ एक है। कौन है वो? सर आप है मुंह बोला, लिप रीडिंग करते हैं। हेलो सर। पक्के बेवड़े लगते हो। सही पहचाना आपने, इस आउटसिंक भरी दुनिया में सिर्फ अकेला मैं सिंक में रहता हूँ सर। सारा दिन टून रहते हो? बिल्कुल नहीं सर, शराब तो इंसान को पी जाती है, लेकिन मैं शराब को सोच समझ के पीता हूँ। जैसे कोई इनकाउंटर करने जाना हो तो मैं दारू का इनकाउंटर करता हूँ सर। ये बताओ तुम देसी पीते हो कि विदेशी? गवर्नमेंट जॉब में विदेशी कहाँ बचेगी साहब, देसी पीता हूँ। ठीक है ठीक है, टेप दिखाओ इसे।
प्ले। स्टॉप, रिवाइंड एंड प्ले। देखना बाबजी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ग्रेट ग्रेट सिंह, तुमने लिप के हिसाब से बढ़िया सिंह किया। इतने साल आउटसिंग रह के मैंने सिंह करना सीखा है सर। इन सबको पकड़कर तुरंत यहाँ लाओ। जी सर। तुम अकेले जाओगे या तुम्हारे साथ पुलिस फोर्स भेजूं? वाइन शॉप फोर्स के साथ जाता हूँ सर, क्रिमिनल को पकड़ना हो तो मेरा फोर्स काफी है। कमाल का कॉन्फिडेंस, आई लाइक। थैंक यू। जाओ। भविष्य का सोचकर चाचे मुझे बहुत डर लग रहा है। हम सब का भविष्य अंधेरे में लग रहा है मुझे। रिमोट तो अब उसके हाथ में है ना, वो जो पिक्चर दिखाएगा वो हमें देखनी पड़ेगी। लुट गई रे नैया। हाय। हाँ? इसके घर के सामने तो मेयर का घर झोपड़ा लगता है। कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? सोच रहा हूँ सच्चाई का सेटलमेंट कैसे करूँ। हमने सेटलमेंट का धंधा बंद कर दिया, चल निकल। इसे किसे बंद किया? दिमाग खराब है? इसका भी जवाब दूँ? मेरा भतीजा बीमार है। वो भी देसी पीता है क्या? पागल हो क्या? ये कोई पीने की जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। जैसे गाड़ी को पेट्रोल, मेरे दिमाग को इस खुराक की जरूरत है। बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है कोई सवाल? अबे तुझे खत्म करने में सीबीआई एजेंट को देर नहीं लगेगी। तुम से पूछताछ करनी है, चलो। सुन बे, जब पुलिस कमिश्नर बुलाता है तो भी हम नहीं जाते। तू तो देखने में कांस्टेबल लग रहा है, अब ज्यादा बकबक मत कर, निकलो। मैं कोई आलतू फालतू पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं सीबीआई से हूँ, मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली से आया हूँ तुम्हें भीगी बिल्ली बनाने। फैसला कर लो कि चट्टी में चलोगे या पतलून में। चलो आप चलिए, हम आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, क्या करते हो तुम लोग? साहब हम लोग छोटा मोटा सेटलमेंट करते हैं। अपना मुंह बंद रख। हम छोटे छोटे सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? अब हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट ना मिलने के मैटर, साथ में पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं। आपके घर में भी हो रहे हो तो हम उसे भी सेटल कर देंगे गारंटी के साथ। झगड़ा नहीं, हम प्यार से रहना सिखाते हैं सर, प्यार से। उफ, ये बताओ तुम 21 तारीख को मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय? वो कहाँ है? वो क्या है सर, जब से मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई है हम घर से बाहर ही कहाँ गए। झूठ, वो भी सफेद। सच बताओ मुझे। अब झूठ क्यों बोलेंगे, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और एमएलएस के साथ हमारा उठना बैठना है, हम एक ही कप में चाय पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे, हम तो घर पर ही चाय पीते। ये क्या बार बार वही सवाल पूछ। यहाँ क्या बोल रहे थे तुम? वो मैं कह रहा था आज शुक्रवार है ना, तो महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे, यही बोला था। मर्डर तो मंगलवार को हुआ था। छी छी छी, मंगलवार हो या शुक्रवार, मंदिर रोज जाना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए भतीजे को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, बस इसलिए मंदिर की बातें कर रहे थे। ओ, गलती हो गई हमसे। देखना बाबजी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ये वॉइस तो मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप? सब कुछ याद आ गया, आपने सही कहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन वहाँ पर कौन सी सिचुएशन? एक लड़के ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे, बस एक छोटी सी वार्निंग देने गए थे, पर उससे पहले हम खुद डर गए। अच्छा, इसका मतलब तुम जिसकी तलाश में गए थे असली खूनी वही है? आप तो यूं ही मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाहते हैं। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे नहीं पता था। देखिए सर, मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है और मेरा दांत दुख रहा है। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी तो बहुत ही सिंपल है रे। चलो चलो। सुनो, उस लड़के का क्या नाम है जो तुम्हारी बहन से प्यार करता है? चरण, निकनेम चेरी है। वो करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? बोलो ना। सीजी ट्रिक्स पनवेल, सेक्टर 2। ठीक है, अब निकलो। चलो चलो। ये क्या सर, क्रिमिनल्स को छोड़ दिया? जैसे शराब खत्म होने के बाद बोतल को नहीं रखते, वैसे ही मैटर समझने के बाद गवाहों को नहीं। सही कहा ना? क्यों, क्या ये लोग खूनी नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि उनकी आंखों और आवाज में डर था। जब आपने लड़के के बारे में पूछा तब मैंने नोटिस किया। यू आर राइट, पी तो रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग काम कर रहा है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हम उन लोगों को अरेस्ट कर लें? चापलूसी बनकर मुच्छड़ सर बताएंगे। वो खूनी कोई साधारण आदमी नहीं है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन।
इतने सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच अपने टारगेट पर सही निशाना लगाया। फॉर डेडिकेशन, डिटरमिनेशन, डिसीजन लेने की इतनी बड़ी क्षमता, समझ में नहीं आता एक अकेला आदमी ये कर कैसे सकता है। विश्वास ही नहीं होता। उसे अरेस्ट करने के लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। सीजी ट्रिक्स में जो लड़का काम करता है उसका बायोडाटा चाहिए विद ऑल द डिटेल्स। सर, सीजी ट्रिक्स का पूरा डेटा मिल गया। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल्स ढूंढो। ये देखो कि मर्डर के दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था। वो छुट्टी पे था। यस। इस फोटो को मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के साथ तुरंत मैच करो। इस फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है सर। मुझे तो प्रोफेशनल लगता है सर, उसने कैमरे में अपने चेहरे को आने नहीं दिया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था सर। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बैगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। उसने जिन लोगों को पीटा उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। हे, उन्हें लेकर आओ। आ जाइए भाई, जंप मारिए, जंप। मैं हूँ, गिरने नहीं दूंगा। लगी तो नहीं ना? आराम से चलिए, जंप मारिए। इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलिए ना, रेस नहीं हो रही है। बस रुक जाओ। नमस्कार साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि रोबोट चल रहा है? टन टन टन, आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ। बॉडी में लीवर, किडनी और हार्ट को छोड़ के सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का सूरमा बन गया, इसलिए लोहा तांबा जो भंगार मिला सब अंदर डाल दिया। उसके मारने की वजह से सारी बॉडीज की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। देखा आयरन मैन? बिल्कुल टेलकम पाउडर की तरह। क्या यह फोटो उसी की है जिसने तुम्हारा यह हाल किया? सर ये फोटो देख के इनके सारे स्क्रू ढीले हो गए। घुमा लीजिए सर। बस बस बस, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों ने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? इनकी हालत देख के लगता है कि बदले की सोचते। ओह, जैसे इनकी बॉडी भंगार है, ये भी हमारे लिए भंगार है सर। तो इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिनिस्टर के भाई की हत्या इसी ने की है। नरपत जी नमस्कार। इंस्पेक्टर सीबीआई, अभी तक उसे पकड़ा या नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई को मारा है वो मुझे भी कुंभ मेले में मारने आ रहा है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपको कभी नहीं मार सकता सर। जब भी आप कुंभ मेले से वापस आएंगे वो आपके सामने हथकड़ी पहने खड़ा होगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। ए, जाओ ढूंढो उसे। आरिया, तुम लोग इस तरफ जाओ, हर तरफ ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा। जल्दी करो, कोई कोना नहीं छूटना चाहिए, जल्दी करो। बाप रे, ए, ये पिकनिक स्पॉट समझ रखा है जो टहलने आ गए? ये किसका घर है जानते हो? बाप जी के जीजा जी का। उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। वी आर फ्रॉम सीबीआई। तू कौन है? मैं चेरी का मामा हूँ, नाम जलेबी भाई। जलेबी भाई, मानो या ना मानो मेरा नाम जलेबी ही है भाई। अपना नाम चखना रखता तो ड्रिंक के साथ काम आता। हर जगह ढूंढा सर, वो नहीं मिला। आप किसे ढूंढ रहे हैं, बाबजी को या चेरी को? चेरी को, कहाँ गया है वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेले? बैठो, टेक हिम। मुझे क्यों? मेरा पेट फट गया है। और क्या क्या फाड़ोगे? सर, स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में सीबीआई के काफी पैसे घुसे होंगे। नहीं, वो बंद रखो, भांजे को फोन लगाओ। ओके सर। स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास। हाँ?
गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे, उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा भाई कहाँ है? गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई वहीं पे आएंगे। सर प्लीज हॉस्पिटल चलिए। मुझे लगा ये मर चुका है, पर ये तो जिंदा है। मैं इसे मार डालूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। सर, एस पर रूल्स, कुंभ मेले में किसी को भी गोली चलाने की इजाजत नहीं है। आप छोड़िए, आप जा, आप मेरी बात मानिए। I'm really sorry. तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए तुम पर शक किया। आपका बेटा बेकसूर है, आप लोग जा सकते हैं। सर, वैसे वो है कौन? तू उस खूनी के बारे में क्यों जानना चाहता है? हाँ, चल। एक मिनट। असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए आज तू आजाद है, वरना हम भी जेल की चक्की पीसिंग। उगता सूरज और ढलता सूरज एक सा दिखता है, पर उनका तापमान अलग होता है। उसी तरह तू भी उससे काफी अलग है। जरा एक मिनट। तू उस आदमी की किताब क्यों पढ़ रहा है? मामा, इस किताब में तो लिखा है कि वो आदमी एक हीरो। मीडिया अपना माल बेचने के लिए कुछ भी लिख सकती है। अरे, पैसे खिला के कुछ भी छपवाया जा सकता है। तू लव स्टोरी पढ़ना यार। जो आदमी मेरी तरह दिखता है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एक बात सुन लो, मेरी फैक्ट्री यहीं थी और यहीं रहेगी। अगर तुम लोगों को आंदोलन करना है तो करते रहो, चिल्लाओ। गवर्नमेंट ने तुम्हें दवाइयां बनाने की इजाजत दी है, चरस, हेरोइन और एलएसडी जैसे ड्रग्स बनाने की नहीं। तुम जो जहरीली ड्रग्स बनाते हो, उससे फैलने वाले धुएं और कचरे से यहाँ की हवा और पानी जहरीला हो रहा है और यहाँ के लोग बीमार होकर मर रहे हैं। हमारी परेशानियों को समझो और फैक्ट्री बंद कर दो। पोल्यूशन मेरी फैक्ट्री नहीं फैला रही, परमिशन है गवर्नमेंट की। तुम्हारी इल्लीगल बस्ती गंदगी फैला रही है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, फैक्ट्री जाएगी। मेरी फैक्ट्री कोई खिलौना नहीं है जो उठाकर कहीं भी रख दूं। 100 करोड़ की फैक्ट्री है मेरी। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ए भैराव, बोलो भाई। एक को धमकाओगे तो 10 लोग डर जाएंगे, एक को पीटोगे तो 100 डर जाएंगे, और एक को मार डालोगे तो लाखों डर जाएंगे। मार डालो इसे। ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं बुढ़े, तुम में से और कोई वहां जाना चाहेगा?
कोलकाता में मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। किसी ने हिम्मत की तो काट कर गंगा में फेंक देंगे। मेरा भाई सालों बाद हॉस्टल से आ रहा है। देख रहा हूँ, एक मिनट चुप तो हो जाओ तुम। वो रहा सिद्धु। दीदी सिद्धू। हाय दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाय सिद्धू। हाय जीजू, कैसे हो? एग्जाम्स अच्छे हुए ना? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। एजी, कितने सवाल करते हो? बिल्कुल करूंगा, इससे बात करने के लिए ही तो हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी ली है। अब तुम घर पे तो करने नहीं दोगी? तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। टेंथ के एग्जाम में वो बिना बात किए कैसे पूरे स्टेट में फर्स्ट आया था? अगर अब वो चुप रहेगा तो वो सेंट्रल रेलवे एग्जाम में भी फर्स्ट आएगा। वैसे तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है दीदी, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में मैथ साइंस ना घुसता अगर तुम ना होती। तुम बिना हमेशा मुझे क्रेडिट देते रहते हो। देखो भाई को देख के कितनी दादागिरी कर रही है। हर पति का यही रोना होता है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, मैं कुली बुला लेता हूँ। अरे कुली क्यों, तुम्हारी जीजा है ना। यहाँ पे इतना चुप चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी हुँ? बहुत भूख लगी है। ठीक है, नहा कर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक्स दीदी। सिद्धू बेबी, तुम अंदर कब आए? आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग कर देखो, मैं मना नहीं करूंगी। देखो, कपड़े पहन लो और दरवाजा बंद कर लो, सारी पढ़ाई भेजे से आउट हो रही है। ये बात है तो जितना पढ़ा है सब भुला देती हूँ। आधी पढ़ाई वापस आ गई। अगर रेलवे के एग्जाम पास हो गया तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसका हमारे अलावा है ही कौन? फिर उसकी शादी कर देंगे। उसकी शादी मेरी कजिन से करवा दो। हाँ, तुम्हारी कजिन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप, जोड़ी कैसे जमेगी? मेरी तरह कोने में पड़ा रहेगा। क्या कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। सुन, तेरे जीजा माणिक तला बाजार से तेरे लिए ये मछली लेकर आए हैं, तुझे पसंद है ना? थैंक्स जीजू। हाय, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी कजिन है। हाँ, इसे आपकी शादी में देखा था। शुक्र है ये नहीं कहा कि बिना कपड़ों के भी देखा है। अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, रिजल्ट का इंतजार है। अच्छा। हाँ, एक्टिंग अच्छी कर लेता है। बैठो ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बैठो ना प्लीज। ये इस जनरेशन की नहीं लगती, काफी शांत लड़की है। सही कहा, फर्स्ट टाइम मिले हो पर सही पहचाना। ये सुशील और बहुत शर्मीली है। शर्मीली? और ये? दिन दहाड़े भैरव ने किया खून। फैक्ट्री से उठते जहरीले धुएं के खिलाफ रियाज भाई ने आवाज उठाई थी, पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसके पीछे नरपत नामचीन, उसके भाई भैरव और टैक्सी सेठ का हाथ होता है, पर उनके खिलाफ कभी कोई भी सबूत नहीं होता और ना ही उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है। पब्लिक और पुलिस जानती है खून किसने किया है, और मीडिया भी जानती है। और कर भी क्या सकते हैं, हमारे इंटरव्यू को न्यूज बनाकर पब्लिक में दिखाएं। कौन है ये नरपत और सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? हाँ, खूनी दरिंदे हैं ये लोग। इस शहर में उनके नाम का खौफ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफर ले लो। मेरा अब इस शहर में रहने का दिल नहीं करता। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस में किसकी हिम्मत है जो उन लोगों को पकड़ सके? वो किसी से डरते हैं क्या? उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। नामर्द बनकर बस तमाशा देखते हैं। छोड़ो ना, हम ये सब जान के क्या करेंगे? हम खुश है ना? हाँ, सही कहा तुमने। इन सब बातों से हमें क्या लेना देना, ये हमारे अपने थोड़ी है। हम तो खुश है ना, दूसरे मरते रहे, मरने दो, है ना? जीजू, ना ये हमारा स्टेट है ना शहर, हमें क्या? मदर टेरेसा भी कलकत्ता की नहीं थी, वो तो दूसरे मुल्क से यहाँ प्यार बांटने आई थी। न जाने कितनों को उनसे प्रेरणा मिली, और आज ये खूनी उसी शहर में बेखौफ घूम रहे हैं। किसी को तो उन्हें उनके किए की सजा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अरे खाना तो खाइए। अरे सुनिए भैया, सिद्धू, 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 चलो ना फिल्म देखते हैं। मुझे फिल्म नहीं देखनी। पंखों ने टिकट्स ले लिए हैं, नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा। पंखों मतलब? पंखों का मतलब फैंस ने। फैंस ने? तुम्हारे फैंस कौन है वो? पोपट और पार्टी। मेरे फैंस का तुम्हें अंदाजा नहीं है, चलो दिखाते हैं। दबंग जी की जय। पुतले की जय हो।
बोपट भाई, तुम कोलकाता पावर स्टार फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो डेयरिंग दिखानी चाहिए, पर तुम डर क्यों रहे हो? इसे डर नहीं कहते, कांपना कहते हैं। ओ क्या है ना, नंदिनी हमेशा मुझे पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाती थी, पर आज उसने मुझसे थिएटर की 2 कॉर्नर की सीट बुक करवाई। मतलब उसके इरादे नेक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें टेंशन किस बात का है? अगर उसने 2 कॉर्नर सीट बुक करने को कहा है, मतलब तुम्हारी लाइन क्लियर है। इयररिंग ले। आज तो ये मूड में भाई, जैसे इंडिया का सुपरस्टार सलमान भाई, वैसे कोलकाता का पोपट भाई। ऐसा क्या, आप तो रॉकस्टार हो भाई। ये पकड़, अभी सेट हो जाएगी भाई। आप तो टाइगर हो भाई। अच्छा, आप तो लेडी किलर हो भाई। मेरी कसम, ये सोनी की माला रख भाई। सारा सोना लुटाओगे तो पॉपकॉर्न के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अबे, तेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड सोने की खान है, 1/2 किलो सोना गरीबों में बांटा और तुझे तकलीफ हो रही है। उई माँ। हाय। हाय। भाई भाभी रॉबस्टिक लग रही है, पर साथ में ये एक्शन हीरो कौन है? एक्शन हीरो के साथ रोमांटिक हीरो भी लगता है, डबल धमाका है। मेरी रिंग वापस दे। क्या हुआ? अबे दे। ये लो। अरे भाई वो पानी कम चाय है, वो VCD है तो ब्लू रे हो। ले तू रख ले। थैंक यू। हाय पोपट। हाय नंदिनी, ये कौन है? मेरे कजन का साला। अच्छा साला, टेंशन में डाला। मैं हूँ पोपट, लोकल पॉर्न स्टार। अरे साले को लेके जा, पानी पूरी, मसाला पूरी, दही पूरी, सूखा पूरी सब खिला के लेके आ। मैं और नंदिनी कॉर्नर की सीट पे बैठेंगे। हम साथ में नहीं बैठ सकते। काई को? मेरे गेस्ट को बुरा लगेगा ना, मैं इन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। अगर मैं इनके पास नहीं बैठी तो इनको ही नहीं, मेरे भैया और भाभी को भी बुरा लगेगा। चलो सिद्धू। भाई के साले के साथ कॉर्नर सीट पर क्यों बैठेगी? इंतजार करो, इसका जवाब तो पिक्चर में ही मिलेगा। मतलब वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्या क्या? घोड़ी तुम्हारी और घुड़सवारी वो करेगा? मैं उसे घोड़ी चढ़ने नहीं दूंगा। चलो। झिंगुर सुन, झिंगुर वो दोनों क्या कर रहे हैं? भाभी तो शुरू हो गई है भाई, पर चिपकली उससे चिपक तो नहीं रहे ना? रंधेरे का फायदा कोई छोड़ता है क्या? अगर मैटिनी शो में ये इतने बिंदास है तो नाइट शो में क्या कुछ नहीं करते होंगे। मैं कुछ नहीं करने दूंगा, इसके पिक्चर क्लोज कर दूं क्या मैं? यहाँ पब्लिक को परेशानी होगी, इंटरवेल में उसका काम तमाम कर देंगे। ए सुनो, मेरा माल गंदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बंदी के लिए फिनाइल और बंदे के लिए चाकू लाया हूँ। जैसे ये चाकू मैं इसके अंदर डालूंगा, तुम लोग मेरा फोटो खींच लेना। वो किस लिए भाई? फेसबुक के लिए रे। एक पॉपकॉर्न, एक कोल्ड ड्रिंक, मीडियम फ्रेंच फ्राइज। वो चिपकली गए? वो क्या सामने खड़ा है? मुफ्त में हमारी टिकट पर पिक्चर देख रहा है और भाभी के पैसों से पॉकेट में पॉपकॉर्न और समोसे खाएगा। ये चाकू मारकर वो पॉपकॉर्न निकाल लूंगा। देख रहे हो क्या? मजाक कर रहा था बे। थिएटर में कह रहे थे कि पब्लिक को परेशानी होगी, यहाँ कह रहे हो कि मजाक कर रहा था। तू चुप रह, नहीं तो तेरे को ही घोप दूंगा। प्लानिंग कर रहा हूँ बे, प्लानिंग से मारेंगे। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। तेरे सॉरी से ये सूखेगा क्या? प्यार से एक जप्पी दे दे, सूख जाएगा। छी। ए, गीला करके कहाँ चली? चुप चुप, बहुत बोल दिया तू। अरे भाई गलती से हो गया होगा, जाने दो ना। मुझे टच करता है, विज्जू भाई को टच करता है, ऐसे क्या देख रहा है साले? मारेगा मुझे? मारेगा? क्या है? मैं तो बॉडी लेने आया भाई। लेके निकल। जी भाई। चलो। ए, हाथ से खून क्यों आ रहा है? टमाटर सॉस है। टोमेटो सॉस? समोसे वाले के पास कागज नहीं था तो सॉस हाथ में ही दे दिया। हाथ धो लेना। बाय। गुड बाय। चालू है, चालू है, चालू। भाई ऐसे नीट पीते रहे तो लीवर खराब हो जाएगा। अगर खराब हो जाएगा तो पैसे उधार लेकर अपोलो हॉस्पिटल जाकर नया डलवा लूंगा। पता है इस देश को टेररिस्ट और आतंकवादियों से खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो दिल तोड़ने वाली आतंकी लड़कियों से। भाई साफ साफ बोलो ना। तो सुन, चालू लड़कियां बार डांसर की तरह होती हैं, अंधेरी काली रातों में जुगनू की तरह मंडराती रहती हैं, सरकते पल्लू से शर्मा के हम दिलफेक आशिकों के अरमानों को भी सरकाती रहती हैं, अंदर घुसते ही कस्टमर फंसती हैं, अपना इंटरेस्ट घटाती बढ़ाती हैं, रिजर्वेशन का कहके जनरल डिब्बे में बिठाती हैं। भाई ने रिजर्वेशन की बात की, सोच रहा हूँ गाँव चला जाऊँ। 5 साल, पूरे 5 साल उसके चक्कर में वेस्ट किए। अगर नंगे पैर इंडिया दर्शन करता तो गिनीज बुक में नाम आ जाता।
जैसे आइसक्रीम खाकर कप फेंकते हैं, चाय में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, वैसे इस इनोसेंट मासूम भोले नटखट पोपट को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। भाई हिम्मत मत हारो, अपनी फीलिंग बता दो, काम बन जाएगा। ए, अगर उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी तो बुके और गुलदस्ते में सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो तो है, लगता है इस पोपट की मैना किसी और डाल पर कूक रही है। साहब, मेरी बेटी कैसी है? आप उसके सगे माँ बाप ही हैं ना? जी साहब। तो आप दोनों ने 14 साल की बच्ची को स्टेरॉइड दिए ताकि वो 18 साल की लग सके, कैसे माँ बाप हैं आप? हमने नहीं दिए हैं साहब, नरपत के भाई भैरव और टैक्सी सेठ ने दिए हैं। गरीबी की वजह से हमें बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है, वहाँ वो लोग उन्हें स्टेरॉइड देते हैं ताकि वो जवान लग सके और उनसे धंधा करवा सके। हमारे बच्चों के साथ वो लोग बहुत अन्याय करते हैं साहब, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोलकाता की आधी से ज्यादा टैक्सियां टैक्सी सेठ की हैं, वो लड़कियों को फुसला कर ले जाते हैं और फिर धंधे पर लगा देते हैं। कुछ लड़कियों को तो वो विदेशों में भी बेच देते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। तो आप दोनों ने उनकी कंप्लेंट पुलिस में क्यों नहीं की? उनके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। किसी में हो ना हो, मुझ में है। What? जी, मरने से पहले लड़की ने भैरव का नाम लिया था, ये रहे उसके ब्लड सैंपल्स और डीएनए रिपोर्ट्स। पहला ऐसा मर्द देखा जिसमें इतनी हिम्मत है, उसे अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। हाँ सिद्धू। क्या जीजू, एनिवर्सरी पे भी लेट, लंच के लिए घर आने वाले थे ना, कहाँ है? मैं पुरानी बिनी मिल्स जा रहा हूँ। बिनी मिल्स, वहाँ क्या काम है आपको? बहुत ही जरूरी काम से जा रहा हूँ। सीमा से कहना खाना खा ले, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइए। यहाँ क्यों आया है? भैरव कहाँ है? पुलिस वाले और कुत्ते यहाँ अलाउड नहीं है। क्या रे इंस्पेक्टर, आज यूनिफॉर्म में मुझे अरेस्ट करने आया क्या? ठीक कहा तूने, पहली बार तेरे खिलाफ कोई सबूत लेकर आया है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि मैं आप ही का आदमी। अच्छा हुआ ये कहीं और नहीं गया। क्यों रे डॉक्टर, जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में सोच। इस देश के लिए अफसोस क्यों कर रहा तू? शहर के किसी भी कोने में अगर तू मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो इस दुनिया से उठ जाएगा। उसने खुद को बेच दिया होगा, पर अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो सारे सबूत मीडिया देखेगी और हिंदुस्तान फैसला करेगा। हाँ जीजू, मैं भैरव हूँ। भैरव, मैं लड़कियां बेचूं या लोगों को मारूं कोई मुझसे सवाल नहीं करता। आज तू भले मुझे मार दे पर बहुत जल्द तू कुत्ते की मौत मरेगा। हेलो जीजू, जीजू। कलकत्ता पर राज मेरा और मेरे भाई का है। जीजू, 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 जीजू। ए, तू डॉक्टर का साला है ना? उसके पास भैरव भाई के खिलाफ सबूत थे तो भाई ने उसे मार दिया। बॉडी वहां पर है, चाहिए तो ले जा। जीजू, 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 ले और यहां से चलता बन। अगर तूने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा और तेरी बहन का भी। अगर बच्चे हुए तो उन्हें भी मार देंगे। तुम में से भैरव कौन है? मैंने पूछा भैरव कौन है?
कौन है भैरव? मैं हूँ मैं। क्यों मारेगा तू मुझे? अगर कलकत्ता के किसी चौराहे में बीच बाजार तुझे नहीं मारा ना, तो मेरा नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ नायक नहीं रहेगा। तो मुझे इतने लोग तेरे आगे गिड़गिड़ाए होंगे, तूने माफ किया उन्हें? मारो साले को। मार दो। ए, क्या कसूर था मेरे जीजा जी का? तेरे खिलाफ कंप्लेन की यही ना? किसी को तो जागना होगा और उन्हें उनके किए की सजा देनी होगी। जिस आदमी ने भैरव को मार डाला उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। कहाँ रहता है वो? यही रहूंगा मैं। ठीक कहते थे जीजू, इनके खिलाफ आवाज ना उठाना गलती है। बस अब बहुत हुआ, कलकत्ता को नरपत के खौफ से मैं आजाद करूंगा। तुमने उनका ठेका ले रखा, उन्होंने तुम्हारे जीजा को मार डाला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। हम डर कर भाग नहीं सकते, डरकर उन्हें भागना होगा और वो भागेंगे भी। तुम हमारे साथ आ रहे हो, तुम्हें मेरी कसम। आप समझते क्यों नहीं? तुम अपने जीजा को तो खो चुके हो, मेरी बात नहीं सुनोगे तो अपनी बहन को भी खो दोगे। चलो। बेटे, हमने सुना है तुमने भैरव को मार दिया, इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। उस कमीने ने मेरे चारों बेटों को मार डाला। तुम्हें जिस माँ ने भी जन्म दिया हो, पर मैं तो तुझे अपना बेटा ही मानूंगी मेरे लाल। तुम कलकत्ता में ही रहकर हमें इंसाफ दिलाओगे ना? चलो चलो यहाँ से, चलो ना। तुम्हें देखकर हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब हमारी उम्मीदों को ठोकर मार के मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसलिए यहाँ नहीं आया है। चलो भाई, यहाँ से मत जाओ। आप ही हमारी हिम्मत हो, अगर आप हमारे साथ हो तो हमें भी लड़ने का जज्बा आएगा। आप हमारे लीडर हो। तुझे क्या लगा बे, मेरे भाई को मार डालने के बाद तू बच जाएगा? ए, तू जानता है तू अभी तक यहाँ पर जिंदा क्यों खड़ा है? क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। तुम सारे इसे अभी तक जिंदा देखकर खुश हो ना, लेकिन तुम सबके सामने मैं इसे मौत के घाट उतारूंगा।
लेकर यहाँ से चले जाओ भाई, हमें कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। तुम्हारे लिए लोग मरने को भी तैयार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इनके लीडर हो, सच बोल रहा हो ना? जवाब क्यों नहीं देता, क्या तू लीडर है? सच कहा, मेरा भाई लीडर है। सुनो सिद्धू, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो और हर जरूरतमंद का साथ दो। ये सारी जनता भले ही इस कुत्ते से क्यों ना डरती हो, पर इस कुत्ते को तुमसे डर लगना चाहिए, तुम्हारे नाम से कांपना चाहिए। ए, ले आओ उस औरत को। तो तुझे इसी पल मार सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू अपने साम्राज्य को तबाह होता हुआ देखे, तेरी शिकस्त की गूंज तेरे कानों में पड़े। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि कलकत्ता में गुनाह करना तो क्या, उसके बारे में सोचने से भी डर लगे। आज के बाद अपनी मर्जी से तू सांस भी नहीं ले पाएगा मेरी परमिशन के बगैर। नायक सिद्धार्थ नायक। धमकी दी, हिम्मत तो देखो साले की, उस कमीने ने कोलकाता के पब्लिक के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मरना होगा उसे, अपने हाथों से मारूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। भाई, वो अपने आदमियों के साथ अपनी फैक्ट्री की तरफ गया है। जमकर पढ़ाई करो, कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना। ठीक है भैया। इंस्टेंट कॉफी के जैसा वो इंस्टेंट हीरो बन गया। भैया, उसे मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, बैंड बजा दिया साले ने। उसके पास ही मत जाना भाई, अगर उसे टच भी किया तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो चलता है तो लोग फूल बरसाते हैं, भगवान की तरह उसे पूछते हैं। स्टेट के सारे एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर सब उसका साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपना मिनिस्टर भी उसका साथ दे रहा है। आज पूरे कोलकाता में नायक के ही चर्चे हो रहे हैं। नायक ने उन लड़कियों को बचाया जिन्हें निर्भय और उसका भाई विदेशों में भेजने वाले थे, सब उसे भगवान मानने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को भी विदेश से वापस ले आया है जो वहां पहले भेजी गई थी। ओ,
मुझे लगा था मैं आपको दोबारा नहीं मिल पाऊंगी पापा। वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, उसने हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। आज तक लोगों ने हथियार उठाए हैं सिर्फ गुनाह करने और करवाने के लिए। फर्स्ट टाइम न्याय के लिए किसी ने हथियार उठाया है सर। मैं उस देवता से मिलना चाहती हूँ। तो अच्छा होता कि वो हम दोनों को मार देता। दिमाग खराब कर दिया उसने। गोली मार दो मुझे। इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। ऐसे नहीं जी सकता मैं। अब या तो वो रहेगा या तो मैं। हम नहीं जाएंगे। जाएगा वो। ये शहर नहीं बल्कि ये दुनिया छोड़ के। शहर के मासूम लोगों को जिन्होंने नरपत का डर दिखाकर लूटा है, उन सारे गुंडों लफंगों उनके पार्टनर और सपोर्टर्स को, शहर के हर एक क्रिमिनल को बुला, कहना नायक मिलना चाहता है उनसे। ए, शहर के सारे गुंडे बदमाश सारा कचरा यहाँ क्या कर रहा है? कल तक आप भी तो नरपत भाई के पीछे दुम हिलाते फिरते थे, फिर आज नायक से मिलने क्यों है? अगर भाई को पता चल गया तो। ए, ट्रेंड के साथ चल। आज ये फॉर्म में है तो हम इसे फॉलो करेंगे, समझा? फॉलो मी। तुम सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? हमें बाहर रुकने को कहा गया है, जब नाम पुकारा जाएगा तब अंदर जाना है। ओहो, वन बाय वन मांडवली करेगा ताकि एक दूसरे को पता ना चल पाए कि किसकी सेटिंग कितने में हुई है। हमें डर है कहीं अंदर हमारी धुलाई ना हो जाए। सिर्फ तेरी ही नहीं, भाई की भी फट रही है। करो ए। जैसे शर्ट पहनकर बॉडी को छुपाते हैं वैसे मुस्कुराकर डर को छुपाओ। ठीक है भाई। नमस्ते नायक भाई। नमस्ते नायक भाई। आपने एक घंटे का वक्त दिया था, हम आधे घंटे में आ गए। आजा मंगल, तू तो टाइम का पाबंद है। कुछ पिएगा? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? आपके साथ एक फोटो लेनी है। फोटो? यस, सबको बोलूंगा नायक भाई मेरे दोस्त हैं। पब्लिक में सॉलिड क्रेज है आपका। मैंने आज तक 100 खून और 50 रेप किए हैं। गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाई है, इस शहर को रुलाया है मैंने। पर गली का कुत्ता तक नहीं जानता, सिर्फ पुलिस जानती है। पर तुमने सिर्फ एक मर्डर किया और स्टार बन गए भाई। सिर्फ एक सिग्नल दे दो और शाम तक देखो मैं 100 करोड़ रुपए चंदे के नाम पर जमा कर लूंगा। मिलकर बांट लेंगे। परमिशन दे दो, किस्मत चमक जाएगी। 100 करोड़ रुपए? इतना कैसे मिलेगा? टाटा बिरला भी नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, वो हमारी तरह गुंडे थोड़े हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी कितने की होगी? 500 करोड़ की। मतलब गुंडों की इतनी कमाई हो जाती है? छे छे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चिल्लर है। तुम बस हाँ बोलो, मैं तुम्हें उस नरपत के बच्चे से 100 करोड़ ज्यादा दूंगा। तुम्हारे इस खंडर को महल बना कर रख दूंगा। तुम बस हाँ कह दो और परसेंटेज की बात कर लो। स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और टेंडर, कोई भी लीगल काम के लिए 50-50 और इलीगल 60-40। मंजूर है? ऐसा प्रपोजल भला कौन छोड़ सकता है? परसेंटेज में दम है, अंदर जाकर डॉक्यूमेंट साइन कर लो। वाह, गुंडागिरी का अग्रीमेंट। सलाम है नायक भाई, बताओ अग्रीमेंट साइन करने कहां जाऊं? लेफ्ट हैंड से इशारा किया है, राइट में जाना होगा। चलिए राइट में। मैं मंगल, नायक भाई का पार्टनर। ये क्या? पुलिस वाले, वकील, जज, रजिस्ट्रार। अरे रे रे रे, सारे व्हाइट कॉलर गुंडों को पार्टनर बना रखा है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है। वो पढ़ा लिखा है भाई, आपकी तरह अंगूठा छाप थोड़ी है। बाबू साइन कहाँ करना है? सर, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है। हाँ मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये सारी मेरी है। मैं इन्हें रोज देखता हूँ, टाइम खोटी मत कर। साइन कहाँ करनी है बोल? यहाँ साइन कीजिए। प्लीज कम ऑन, पेन ला। मुबारक हो भाई, आप नायक भाई के नए पार्टनर बन गए। अब तो शहर पर मेरा राज होगा। सर, चॉकलेट से मुंह मीठा कीजिए। मुंह तो ऐसे मीठा करवा रहा है जैसे देश का भला किया। आपने सचमुच भला किया है सर। मैंने क्या किया? आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय को दान में जो दे दी। जान लेगा क्या मैंने प्रॉपर्टी कब दान की? देख मेरा दिल कमजोर है। जिस डॉक्यूमेंट पर अभी आपने साइन किया उसमें तो यही लिखा है कि आपने सारी संपत्ति दान कर दी और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुमने मुझे इनविटेशन देकर यहाँ बुलवाया, हाथ में पेन थमाकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प करके मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया। ए! मैं मंगल भाई हूँ, मुझसे धोखेबाजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। यहाँ लाशों के ढेर बिछा दूंगा मैं, मेरे आदमी बाहर खड़े हैं, एक सीटी मारते ही अंदर आ जाएंगे। चिल्ला क्यों रहा मंगल, ग्रहण लग गया? और क्या करूं, तुमने मेरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और मुझे 50 पैसे की चॉकलेट थमा दी। गाली नहीं दूंगा तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगा? जय हो वीर शूर, इससे आगे तो मुझे भी नहीं आता। यहाँ जो हो रहा है वो शायद तेरे भेजे में घुसा नहीं है, चल बगल वाले कमरे में समझाता हूँ। इस कमरे में तो चॉकलेट दी, अब उस कमरे में क्या बिस्कुट दोगे? बच्चे को स्कूल डेज याद आ गए,
पनिशमेंट देनी पड़ेगी। चलो इस कमरे में भी आ गया आपका गन। अरे तुम लोग तो बॉडी बिल्डर हो, सारा झोल उस कमरे में हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खा खा कर इतने बड़े सांड जैसे हो गए हो। तुम्हारे पास बॉडी है, मेरे पास दिमाग है, साथ मिलकर खत्म कर देते हैं उसे। आज हम एक नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे। ये घूर घूर के मुझे हुल क्यों दे रहे? भाई मेरी बाई आंख बहुत जोर से फड़क रही है, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जल्दी से सीटी बजाओ। सीटी उन्हें सुनाई नहीं देगी। क्यों? साउंड सिस्टम बहुत मस्त है। अरे इतनी जायदाद कोई सपने में भी लूटे तो पूरी रात लग जाएगी, और इसने बस एक साइन करा के लूट लिया। मुझे तो ये अभी सपना लग रहा है। कपड़े नहीं फाड़े, चमड़ी उधेड़ दी, कितने ट्रेंड कारीगर हैं। ट्रेंड पुलिस वाले भी ऐसी धुलाई नहीं करते। लो भाई चॉकलेट खाओ। हटा इसे, हटा। जब भी चॉकलेट देखूंगा मुझे लूटी प्रॉपर्टी याद आएगी। ओए माँ, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो भाई? बैठने को कहा है इसलिए बैठे हैं। कहीं उनका हमें अंदर मारने का प्लान तो नहीं है? वो भला क्यों मारेंगे, हमने कुछ गलत किया है क्या? उन्होंने कितना मांगा और कितने में मांडवली की? हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे टर्म्स और कंडीशन मंजूर हो गए। अग्रीमेंट साइन करते ही चॉकलेट भी मिला, वेरी सिंपल। अगर मैं अपना परसेंटेज बढ़ाऊंगा तो चलेगा ना? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, बस एक साइन करनी होगी। अरे मैं पेन तो लाया नहीं। पेन मिलेगा, स्टैंप मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, अंदर सब कुछ मिलेगा। जाओ तो। नमस्ते नायक भाई। आ जाओ राजपूत। धोखाधड़ी, पायरसी, नकली पासपोर्ट हो या कोर्ट स्टैंप बनवाना हो, इन दो नंबर के धंधों में अच्छा माल छापा है तूने। अगर आप इन्हें दो मिनट देंगे तो ये आपका भी नकली साइन मार के बता सकते हैं। चुप कर, असली आदमी के सामने नकली साइन क्यों मारूंगा? मेरा पेट तो भर गया भाई, इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। भाई जल्दी से परसेंटेज तय कीजिए ना, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। चॉकलेट अंदर मिलेगा, जाओ और ले लो। शुक्रिया भाई। चॉकलेट खाने के बाद अपनी मुलाकात होगी ना भाई? नहीं होगी, उस प्रोग्राम के बाद तुम्हें एक और प्रोसेस से गुजरना होगा। अब तक तो उसे चॉकलेट मिल गया होगा। कांग्रेट्स, आपने अपनी संपत्ति मदर टेरेसा ट्रस्ट को दान कर दी। ये क्या कह रहा है बुड्ढे, मैं कोई पागल हूँ जो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा? भाई म्यूजिक बजना शुरू हो गया, लगता है साउंड सिस्टम पर उसे भी नचाया जा रहा है। अरे हम तो जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गए, पर लगता है कि ये टाइटैनिक वही बीच में डूब जाएगा। मंगल भाई, अंदर के झोल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? SMS करते तो बाहर से गलती हो जाता था। हाँ तो बाहर जितने खड़े हैं उन्हें तुम SMS कर दो। अरे छोड़ो ना, जरा उन्हें भी मजा लेने दो। यही फीलिंग मुझे भी आई थी जब तुम बाहर थे। उन्हें भी चॉकलेट का मजा लेने दो। सब ठीक है ना? अरे क्या रे, तुम लोग यहाँ बैठ के बच्चों की तरह चॉकलेट खा रहे हो? अंदर हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उन्हें हमारी शक्ल से पता ही नहीं चलता कि हम गुंडे मवाली हैं। अंदर आओ, साइन करो, चॉकलेट लो और जाओ। तुम भी जाके आओ। अरे मोटे, इतना मार खाने के बाद भी अपने पैरों पर चल के आ रहा है, लगता है उनकी धुलाई मुझसे कम हुई है। तूने कमीशन भी तो जंबो साइज का खाया है। उई माँ, चॉकलेट के बारे में बताया, साउंड सिस्टम के बारे में कौन बताएगा? बता देता तो तू अंदर जाता। वेलकम राजा। अंदर जाते वक्त तो बहुत खुश लग रहे थे, अब यहाँ ढीले ढाले पड़े हुए हो, अंदर धुलाई हो रही है क्या? वो हमें क्या मारेंगे, वो तो अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, हमारी भी हुई है। अब तुम्हारी बारी है, अंदर जाओ, अग्रीमेंट साइन करो और चॉकलेट खाओ, लौट कर हमारे साथ बैठो। दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके घर में जाके बैठता हूँ। भाई ये तो कल्टी मार गया। भाई, क्या हो रहा है भाई, 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 अच्छा हुआ ये पकड़े गए, नहीं तो हमारी तो जल जाती। कुछ हुआ ना, अगर हमारा घर जल रहा है तो पड़ोसी का भी जलना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आई लाइक दिस फंडा। सब अंदर आ गई, आप भी बाहर कोई है? हम सबकी हालत मुगले आजम से पगले आजम हो गई है। ओए भाई सबको बुला रहा है। कैसे आएंगे, पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं, चॉकलेट खाकर शुगर बढ़ चुकी है, और खातिरदारी करोगे तो मर जाएंगे। अब हमें घर जाने दो। तू अंदर आ रहा है या भाई को बाहर बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं, हम एक दूसरे के सहारे पहुंचते हैं। मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे रे, कहीं का नहीं छोड़ा हमें, जो कुछ भी था वो सब ले लिया। ए, कलकत्ता में जो गैर कानूनी धंधा चंदा स्कैम स्कीम चला रहे थे उसे तुम सब आज के बाद बंद कर दोगे। गांव का टिकट निकालो और कट लो। हमें 15 दिन की मोहलत दो, हम 2 महीने में शिफ्ट कर जाएंगे। मैं किसी को मोहलत नहीं देता हूँ, सीधा मौत देता हूँ। हमारे पास उसे मारने के लिए हथियार तो हैं, पर उसे मारने वाला कोई नहीं, इसलिए इन्हें तिहाड़ से मंगवाया है।
ध्यान से सुनो, वो कोई मामूली खूनी या गुंडा नहीं है। कोलकाता की हर गली में हर घर में उसके जाने वाले हैं। अगर गड़बड़ी करोगे तो वो तुम्हारे साथ हमें भी मार देगा। आप इतना डरते क्यों हो? वो इंसान ही है ना, ट्रिगर दबा के उसे खलासी करना है ना। करना तो है लेकिन जरा चालाकी से। कहाँ मिलेगा वो? उसकी कॉलोनी में शादी का रिसेप्शन चल रहा है। ने भेजा था तुझे? नरपत भाई और डीजीपी ने। सर, हमारे आदमी पकड़ गए, उन्होंने हमारा नाम उगल दिया है। वो जरूर हम पर हमला करेगा। करने दो, उसके कान तक ये बात पहुंचाओ कि हम मिनिस्टर के घर पर हैं। वो गुस्से में यहाँ जरूर आएगा। एक बार दो शिकार। समझ गया सर। तुम इतने डरे हुए क्यों? तो क्या करूं, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी परछाई मुझे छोड़ सकती है पर नायक वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, आदमी मार दिए, सब खत्म कर दिया। अब सिर्फ मेरी जिंदगी बची है, मुझे बचा लो। भाई वो आ गया। जिस सांप को हमने दूध पिलाया वो हमें ही डसने चला। खाना मेरा खाते हो और गुणगान उसके गाते हो। सिद्धार्थ नायक के हाथों मिनिस्टर का खून। क्या बकवास कर रहे हो? सारे लोग तुम्हें भगवान समझते हैं, मसीहा समझते हैं, पर भगवान सिर्फ फोटो में होते हैं, मूर्तियों में होते हैं। तुम जैसे जिंदा नहीं होते। तुमने गरीबों में जो जमीन बांटी वो सब फिर से मेरी होगी। मैं अपना धंधा फिर से शुरू करूंगा जिस पर तुमने ताला लगाया है। मैं तुम्हारे चाहने वालों को ढूंढ ढूंढ कर कुत्ते की मौत मारूंगा। ये तुम्हारा चमचा मिनिस्टर तो मर गया, इसकी जगह मैं नया मिनिस्टर बन जाऊंगा। हाँ भाई, देख तो मर गया कि नहीं? टपक गया भाई। इसकी लाश को गंगा में फेंक दो। मिनिस्टर का खून करके वो भाग गया, ऐसा एफआईआर दर्ज करो। ओके सर। सिर्फ हम ही जानते हैं कि वो मर गया है। जनता तो नए मिनिस्टर का जरूर इंतजार करेगी। बचा लिया। मिनिस्टर का खून मैंने नहीं किया, यह साबित करना मेरा मकसद नहीं था, पर उन राक्षसों का सफाया करना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। चलो मां। अरे कहां जा रहा है? यह ट्रेन तो कोलकाता जा रही है। हम भी वहीं जा रहे हैं। कोलकाता क्यों? बताता हूं। नायक भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है? दिखता तो बिल्कुल आपके जैसा है। हाय, मेरा नाम चेरी है। सिद्धार्थ, तुम्हारे बारे में पढ़ा इसलिए तुमसे मिलने चला आया। लेकिन क्यों?
एक तरफ पुलिस है, एक तरफ वो जिन्हें इसने मारा, एक तरफ वो जो इसे मारना चाहते हैं। हम सॉफ्टवेयर वाले इन हार्डकोर गुंडों को कैसे हैंडल करेंगे? नमस्ते नरपत भाई। कहाँ गायब हो गए थे? उसने इतना मारा कि बाथरूम आना जाना मुश्किल हो गया था। आप फिक्र मत कीजिए, हमने पार्टी बिल्कुल नहीं बदली। आजकल लोग कील घुसने से या डुप्लीकेट इंजेक्शन से मर जाते हैं, और पूरा हथियार घुसने के बाद भी आप अभी तक जिंदा हैं? आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं? करेक्ट। मिनिस्टर मर्डर केस में पुलिस को उसी पर शक है। आप पर उसने वार किया इसका भी सबूत है। उसे फांसी की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी मिलेगी पर उसका कोई भरोसा नहीं। सेफ्टी के लिए हमारी आदमी से कहो उसे कोर्ट में ले जाने से पहले ही मार डाले। पर ये मुमकिन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि कल वो अपने लाखों फैंस और चाहने वालों से पूरी तरह घिरा हुआ होगा सर। अच्छा, लाखों लोग कल उसे सुरक्षित कोर्ट लाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने वाले हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भी इसकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। फॉलोइंग अच्छे कर्मों से बढ़ती है, उम्र से नहीं। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आज तो ये गया, जनता कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जज इसे फांसी ही देगा। सिद्धू, सब क्या कह रहे? जज तुम्हें फांसी देने वाले। तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मुझे फांसी होगी? और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये साला जिंदा बच गया। ऐसा मत बोलो सिद्ध। योर ऑनर, ये होम मिनिस्टर मर्डर केस में आरोपी हैं। इसने डीजीपी और टैक्सी सेठ को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला। हमारे नए होम मिनिस्टर निर्भय नामचीन जी पर भी इसने जानलेवा हमला किया, जिसके हमारे पास ठोस सबूत है। ऐसे आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाए, ताकि और कोई मुजरिम बनने की जरूरत न कर सके। यही मेरी कोर्ट से गुजारिश है। तो बोलो, कबूल करते हो कि ये गुनाह तुमने किए हैं? जज साहब उसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके सामने उसके खिलाफ सबूत पड़े हैं। कोर्ट का टाइम बर्बाद किए बगैर उसे सजाए मौत दीजिए। शांत हो जाइए, कोर्ट के भी अपने नियम होते हैं। तो बोलो, तुम्हें गुनाह कबूल है? जी जज साहब, वो गुनाह मैंने किए हैं। आरोपी का कबूलनामा और गवाहों की तस्दीक के बाद आईपीसी सेक्शन 302 और 307 के तहत ये अदालत मुजरिम को। ये क्या लफड़ा? ये तो बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी है। दोनों में असली कौन सा है, ये तय करना मुश्किल है। ये तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई लग रहे हैं। टिकट कटी मुंबई की कलकत्ता पहुंच गया। नमस्कार जज साहब। तुम कौन हो? हूबहू इसकी तरह दिखते हो। मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। ये सारे गुनाह मैंने ही किए हैं। नहीं योर ऑनर, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। मुझे लगता है ये मेरा कोई फैन है। पता नहीं क्यों मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर ले रहा है। नहीं जज साहब, ये मेरा फैन है जो मुझ जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर लेने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव। बॉस, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे बचाने के लिए तुम बंद करो ये नाटक। अगर तुम नायक हो तो ये कौन है? मेरा फैन है। वो तुम्हारा फैन है तो तुम कौन हो? सिद्धार्थ नायक। नहीं, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। सिद्धार्थ नायक मेरा नाम है। जज साहब, मैं जानता हूँ मुझ पर हमला किसने किया। मुझ पर इस नायक ने हमला किया था। फांसी दे दो इसे। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, लगता है ये कंफ्यूज हो गए। आप इन्हें 5 मिनट बाहर भेजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अदालत 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। जी, पूरा कबाड़ा हो गया। जो मैच आसानी से जीतने वाले थे, उसे बारिश की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। वो दूसरा आदमी कौन है? वो चेरी है, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। पहले हम भी कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया। क्या कर रहे हो? तुमने हमशक्ल को देखा था पहले? वो बेगुनाह था ना सर, इसलिए पहले उसे अरेस्ट किया फिर बाद में छोड़ दिया। ए, तुम्हें सीबीआई में भर्ती किसने किया? दिल पे मतलब सर। सर, अभी 5 मिनट का ब्रेक मिला है। मुझे लगता है उन दोनों ने जगह जरूर बदल दी होगी। आप जरा संभल कर। ये बताइए कि इनमें से हमला किसने किया था? दोनों ने जगह बदल दी होगी। इस आदमी ने पहले तो तुमने इसे कहा था। क्या कहा? इन्होंने जगह नहीं बदली। नहीं बदली।
बेवकूफ गधे, दोनों को फांसी देकर मैटर क्लोज कर दो, दोनों को दे दो फांसी, इन्हें छोड़ना नहीं, दोनों को लटका दो। मैं कहता हूं मत भूलिए कि आप जिम्मेदार पद पे बैठे, ये बातें शोभा नहीं देती आपको। कानून के मुताबिक 100 गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब केस का तो दी एंड हो गया रे। ये दोनों इंसान एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मुजरिम को पहचानना मुश्किल है। लिहाजा कोर्ट सीबीआई को यह आदेश देती है कि इन दोनों को उनके परिवार और दोस्तों के साथ घर पर ही नजरबंद रखकर असली गुनहगार को पहचाने और कोर्ट में पेश करे, वो भी 10 दिनों के अंदर। दोनों पर नजर रखो। दोनों पर नजर रखना बेकार है सर, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, हमको ऐसे लपेटेंगे पता भी नहीं चलेगा। ए, उनकी तारीफ करना छोड़ो और काम पर लग जाओ, जाओ। सॉरी सर। माँ जी, समझ में नहीं आता आपका ये एहसान मैं किस तरह चुकाऊंगी। बेटी, हम सब इंसान हैं, इंसान ही इंसान के काम आता है। नरपाल, देखता जा तेरी अब मैं क्या हालत करता हूँ। 10 दिन बाद इस कोर्ट में जज भी होगा और जनता भी होगी, और मैं भी रहूंगा, बस तू वहां नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुझे मार दूंगा। अगर वार्निंग इसने दी है तो यही नायक होगा। नायक मैं हूँ। अगर तू नायक है तो उसने वार्निंग क्यों दी? वो फ्री था इसलिए उसे भेज दिया। अबे मिठे, क्या ये तेरा भांजा है? जब आप जैसे सीबीआई वाले नहीं पहचान पाते तो मुझे जैसा सीईओ क्या पहचाने? मुझे ही ये गुत्थी सुलझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भाई मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उसे मारने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब उसने आपको मारा था उस वक्त वो अकेला ही था, अब दो हो गए हैं। भाई आप मेरी बात मानिए, पुलिस को बयान दीजिए कि मेरा नायक से कोई लेना देना नहीं, मैं उसे नहीं जानता, और फिर आप कलकत्ता छोड़कर, मैं तो कहता हूँ इंडिया छोड़कर चले जाइए। मैं फिर कहता हूँ आप केस वापस ले लीजिए, इसी में आपकी और हम सब की भलाई है। ऐसे कैसे पीछे हट जाए, ये केस हमने बनाया है, हमको नायक के मुंह से सच्चाई उगलवानी होगी कि वही नायक है। बिल्कुल ठीक कहा। ए, मुंबई जाकर चेरी के किसी अपने को उठा कर लिया, उसकी जिंदगी बचाने के लिए नायक को अब सच बोलना ही पड़ेगा। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? क्या आपकी बेटी चेरी से प्यार करती है? आप प्यार करती है तो क्या हुआ? नरपत भाई ने आप लोगों को कोलकाता ले आने का ऑर्डर दिया है। तो उसके प्यार के चर्चे कलकत्ता भी पहुंच गए, ये नरपत का बच्चा कौन है? तू ज्यादा बात मत कर, मेरे साथ चल। भाई की मार्केट में बहुत इज्जत है, तू भाई को धमकी दे रहा है? मैं भी गुंडा हूँ, 20 साल से भाई का नमक खा रहा हूँ, क्या समझा? अरे बस कर, गन नीचे कर, बच्चे डर जाएंगे। तुझे दिखाई नहीं देता इसके हाथ में गन है? भाई नायक भाई के आदमी आ गए। निरपत के बंदे कहाँ गए? वो तो भाग गए। आप हमारे साथ चलिए, यहाँ रहना सेफ नहीं है। तुम्हारे साथ चलूं पर अब तुम कौन हो? नायक के बंदे हम। अब ये नायक कौन है? कोलकाता जाते ही समझ जाओगे, तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ जाएगी, जल्दी। उसका वहाँ क्या काम? चेरी भी वहीं पर है। अच्छा, तो ये उसी का क्या कराया है? बेटे जी? हम किडनैप हो गए हैं, हमें कोलकाता जाना है। हाँ, बस लिपस्टिक लगा कर आई। घर के अंदर कुरुक्षेत्र चल रहा है और ये लिपस्टिक को फाइनल टच दे रही है। चेरी कहाँ है भैया? चेरी दिखाई नहीं दे रहा। होगा यहीं कहीं। वेलकम, वेलकम टू कोलकाता। जब से तू हमारी जिंदगी में आया ये लक बैड लक बन गया है, अब तूने हमें यहाँ भी बुला लिया। टेंशन मत लो, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे, ऐसा नायक सर ने कहा है। नायक नायक, इस नायक को मेरी सुरक्षा की क्या पड़ी? गुस्सा थूक दो, कहानी का असल ट्विस्ट अभी बाकी है। एक ट्विस्ट से शहर छोड़ना पड़ा, अब क्या देश छोड़ना पड़ेगा? चेरी? कम से कम बड़े बुजुर्गों का तो ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं हो सकता, वो हाथ से निकल गई। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई एम नॉट चेरी। क्या? मैं चेरी नहीं हूँ। ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ये चेरी नहीं है? जलेबी ने ट्विस्ट के बारे में बोला था ना। वैसे सफर तो ठीक रहा ना? सफर कहाँ, हम तो किडनैप होके आए हैं। आप चेरी के फैमिली मेंबर है ना? आपका नाम? मैं चाचा हूँ और ये मेरा भतीजा है। अगर और भी कुछ जानना बाकी है तो वो भी पूछ लो। ये जलेबी क्या है, इसकी याददाश्त चली गई क्या? याददाश्त गई होती तो यहाँ क्यों बोला था? मुंडी उधर घुमा के देखो। हाय, हेलो मधु, मैं चेरी हूँ,
कंफर्म ना? गले लग कर देख लो। अंकल यही चेरी है, कंफर्म। ठीक है ठीक है, कम से कम हमारे सामने तो ऐसा मत करो। अब ये और कितनों को गले लगाएगी? मैंने सुना है एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। अपनी बकवास बंद कर टकले, दो में ही ये हाल है, तब मेरे भतीजे की क्या हालत होगी जब ऐसे 5 और आएंगे। सब क्या है? मेरी मॉम अंदर है, वो सब बता देंगी, जाओ। ठीक है। क्या हुआ चाचे, तुम नीट क्यों मार रहे हो? शराब तो क्या खून मिला, वो भी पी जाऊंगा। सर मुझे कुछ कहना है, ये सब गड़बड़ घोटाला इसकी वजह से हो रहा है। बुरा मत मानो, ना ये अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करवाने की सोचता, ना ये सब होता। बस जरा सोचिए, ना मेरी इससे पहचान होती, ना मैं आपसे मिलता, तो आज स्टोरी कुछ और होती ना। मुझे क्यों मारा? तो और क्या करूं, अपनी बहन की शादी की जल्दी की जबकि तुम्हारे बॉस की बहन अभी तक कुंवारी है। पर बॉस की बहन तो मेरी बहन से छोटी है। तो क्या हुआ, 2-4 साल और रुक जाता तो तेरी बहन को कोई दूल्हा नहीं मिलता, तेरी बहन के सारे बाल झड़ जाते क्या? अंकल क्या हुआ? अंकल बहुत कंफ्यूजन है, मैंने चेरी समझकर सिद्धू को किस किया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आप सॉरी बोल देंगे? अच्छा अच्छा, किस तुम करो और सॉरी मैं बोलूं, इसका भी सेटलमेंट करूं अब मैं? दीदी दीदी क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई, मैंने चेरी को सिद्धू समझ के बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। कोई बात नहीं। बाथरूम में क्यों गई, बेडरूम में नहीं जा सकती थी? वहाँ पर भी गई थी, वहाँ भी कंफ्यूज हो गई। बॉस एक काम करो, फ्री टाइम में आप बेडरूम के बाहर जाके खुद रखवाली करो। बकवास बंद कर वरना टकला फोड़ दूंगा। अरे जिलेबी सर, इसके प्रेमी को ढूंढने में मदद करना। अब जो काम इनसे नहीं हुआ मुझसे कैसे होगा? इस स्टोरी के तुम सबसे पहले किरदार हो, इसलिए उठो और जाओ। ठीक है सर, चलो गर्ल्स। बेचारा जिलेबी, झक मरवाने के बाद भी समझ नहीं आया कि कौन नायक है और कौन खलनायक, क्योंकि वो ड्रामा किंग है। जब उनकी हीरोइंस नहीं पहचान पाई कि कौन कौन है, तो हम किस भूली के खास है। हरामजादे, देखा तूने, एक गलती हमें कितनी भारी पड़ रही है, सारा खेल खराब कर दिया। पहले एक भारी पड़ रहा था, अब दूसरा आ गया। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं सर, मेरे पास एक जोरदार प्लान है जिससे आप दोनों को खत्म कर सकते हैं। जल्दी बता। इसमें दोनों ही मरेंगे। हेलो, सुन नायक, तू कोलकाता के आवाज से बहुत प्यार करता है ना, तो फिर कोलकाता स्टील में 10 मिनट में आ जा, वरना सैकड़ों स्कूल के बच्चों को हम बम से उड़ा देंगे। जल्दी आ जाना बच्चे। साले। स्कूल के बच्चों को ढूंढ रहा है, बचाना चाहता है उन्हें। तुझे यहाँ बुलाने के लिए मैंने ये चाल चली थी, तुझे मारने के लिए इससे अच्छा प्लान क्या हो सकता है? मुझे मारकर भी तो नहीं बच सकता, क्योंकि मैं तो नायक हूँ ही नहीं, चेरी हूँ। अरे तो यही बात कोर्ट में नहीं बोल सकता था? चुबे, कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। तुमने फोन तो नायक को किया था, पर उठाया था मैंने। नायक मेरा कोई मेले में खोया हुआ भाई नहीं है, भगवान है, और तू एक शैतान है। तुझे मारने के लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा ना। सो आज मरने के लिए मैं यहाँ आ गया। तुम दोनों ने मिलकर हमें अच्छा बेवकूफ बनाया, मगर तेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दीदी मेरा फोन कहाँ है? पता नहीं, टेबल पर होगा। क्यों नायक, चेरी मरने जा रहा है, आकर बचा ले अपने डुप्लीकेट को। मैं 10 मिनट देता हूँ, वरना उसकी बॉडी ले जाना। पहला गया अब दूसरा जा रहा है, ये नायक था या खलनायक, अब मुझे क्या पता। What? मुझे डाउट है कि वो गुस्से में नरपत को मारने गया है। We'll be right back.
नायक मर गया। हाँ, नायक मर गया। साला। वाह भाई, अब इस डुप्लीकेट को भी मार दो, वरना लोग इसे ही नायक मानने लगेंगे। क्यों बे, ऊपर चला गया तू? मरने के लिए तेरे को कोलकाता मिल गया? ए, बम का जैकेट पहना दो इसे। हैप्पी डेथ डे। ये तो नरपत भाई का नामों निशान मिटा देगा और उसके बाद हमारा। सिर्फ कलकत्ता के रसगुल्ले खाए होंगे, तुझे मुंबई का वड़ा पाव खिलाता हूं। बॉम्ब वाला जैकेट क्यों पहना रहा है? हमें चॉकलेट दी और इसे जैकेट। इस हालत में जीने से तो अच्छा कि ये मर जाएं सर। हे, ये सब किसने किया? नरपत जी कहाँ है? वो रहा ऊपर। कहाँ? पहुंचा कैसे? पहुंचा नहीं, पहुंच गया। सुतली बम है कि वो फट गया है? सुतली बम समझकर फोड़ा तो ये हाल है सर। रॉकेट समझा होता तो। किया किसने सब? नायक ने। नायक का डबल रोल है, किस वाले ने किया? वो जो नायक जो सर, इमोशन में आके क्यों लूज मोशन करवा रहा है? ये ऐसे वैसे नहीं सीबीआई के मामू है। मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर यहां तुम क्या करने आए थे? सर, यहाँ टूटी हड्डियां जोड़ने वाला आयुर्वेदिक तेल मिलता है, वही लेने आए थे सर। अबे यहां स्टील मिलता है, तुझे किसने यहां पे भेजा? सर, इसने बताया था। आने जाने के पैसे भी उधार मांग कर लाया हूँ सर। पहले ही कंगाल हो चुका हूँ, अब उधारी भी बढ़ गई तो भीख मांग कर मुझे दिन निकालने पड़ेंगे। सर, एक के तो चीचड़े उड़ गए, दूसरे ने कल्टी खा ली। हमारी खोखली गवाही भी कहीं काम नहीं आएगी। इस केस को भी खराब विस्की के केस की तरह बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत भी नहीं है। मैं तो पहले से जानता था ये केस सुलझने वाला नहीं। हाँ गायत्री, हाँ कपड़े धोने आ रहा हूँ। सुन जलेबी जी, अब सारे ट्विस्ट खत्म हो गए या मुंबई जाकर और भी कई ट्विस्ट दिखाओगे? एक ट्विस्ट और है, चेरी और मधु की शादी का। मुझ गरीब की भी शादी करवा दो ना। दोबारा शादी का नाम लिया ना तो गला घोट दूंगा। चेरी, मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी, तुझे कुछ हो जाता तो? ब्रदर, सच्चाई को बचाने और बुराई को उखाड़ने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। शाबाश।
मैंने सुना है तूने गांधीनगर कॉलोनी खाली करवाने के लिए समन भेजा है। मैं तो सिर्फ सरकारी ड्यूटी निभा रहा हूँ। लोग सरकार के लिए नहीं, सरकार लोगों के लिए बनाई गई है।